गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 31 जुलाई, शाम के बज रहे हैं 5। सेशन बहुत ही शानदार गया है आज। निफ्टी तकरीबन झूलता रहा 30-50-40 पॉइंट्स ऊपर नीचे, और फाइनली 11,110 के करीब बंद हुआ है निफ्टी। और आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बेहद खास है फ्रेंड्स, और उसकी वजह यह है कि हमारी लर्न टू अर्न सीरीज जो कि हम चला रहे थे, इसके तहत लोग बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो, और ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स जो हैं हमारे वो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। सो इसी सीरीज़ के अंतर्गत एक दिन निफ्टी 50 का एनालिसिस हमने 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट किया, निफ्टी के 50 शेयर की एनालिसिस 10 मिनट के अंदर, जो रात का लर्न टू अर्न सीरीज था उसके अंदर कंप्लीट की। और उसके बाद डिस्कस हो रहा था हमारी टीम के बीच में ही आपस में, और ये हो रहा था कि क्यों ना एक मैराथन चैलेंज लिया जाए। और इसका डिस्कशन हुआ और ये हुआ कि आखिर कोई आदमी जिसके पास में पैशन है मार्केट के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, वो एट ए स्ट्रेच एक बार में कितने शेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है एट ए स्ट्रेच, ज़्यादा लंबे समय तक अपने आप को थकाए हुए बिना। सो हमने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, इसे एक चैलेंज के रूप में लेते हैं और देखते हैं कि आखिर कितने शेयरों की एनालिसिस हम कॉन्टिन्यूसली कर सकते हैं। आज इस चीज़ को हमने डिस्कस किया अपने लाइव सेशन में, जो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स थे उनके साथ में भी, जो सब्सक्राइबर्स थे उनके साथ लाइव सेशन में, जो लोग जुड़े हुए थे उनके साथ। और फिर हमने एक मकसद निकाला कि ऐसा करते हैं, लाइव सेशन नहीं करते हैं, एक वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर कॉन्टिन्यूसली शेयर्स की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी में, बीएससी में, एनएससी में, दोनों में मौजूद जितने भी शेयर्स हैं, मैक्सिमम शेयर्स की एनालिसिस करके देखते हैं कि कितने शेयर्स टेक्निकली एनालाइज किए जा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो का हमने नाम दिया फ्रेंड्स, 1000 शेयर्स इन 3 आवर्स प्योर चार्ट एनालिसिस। कोशिश ये करेंगे कि 3 घंटे के अंदर 1000 शेयरों की एनालिसिस कर पाएं हम टेक्निकल बेसिस पर। ये है चैलेंज शेयर एकेडमी के लिए, और इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया है, इस चैलेंज को। इस चैलेंज के साथ में एक मकसद भी होगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ऐसा वीडियो नहीं है कि जिसे आप सिर्फ देखते रहें और ये देखते रहें कि हम टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, बल्कि इस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम बेसिक्स और एडवांस उन सभी का इस्तेमाल करेंगे बीच बीच में, जैसे कि चार्ट अलाउ करेगा या जैसे कि चार्ट की नीड होगी। तो अगर आप में से कोई लर्न टू अर्न सीरीज से जुड़ा हुआ है या फिर कोई टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहा है जिसके पास में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, अगर आपके पास में बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है तो हमारा कहना है कि पहले आप जाइए हमारे वीडियो सीरीज में, प्लेलिस्ट के अंदर जो लर्न टू अर्न सीरीज है इसके 18 वीडियोज ये देख लीजिए, तब आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आ जाएगा टेक्निकल एनालिसिस का। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तब ये वीडियोज आपकी बेहतर समझ में आएगा। हाउएवर, बाकी सभी के लिए चैलेंज लेते हैं ये हम मैराथन, 1000 शेयरों की एनालिसिस 3 घंटे के अंदर टेक्निकल चार्ट पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इस मकसद के साथ में कि इस वीडियो से आप लोगों की टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी सी बेहतर होगी। देखते रहिए, जुड़े रहिए इस सेशन के साथ, बीच बीच में इंटरवल लेकर, ब्रेक लेकर देखते रहिए जब भी आपको वक्त मिलता है तब, और जरा देखिए कि क्या वो टेक्निकल एनालिसिस जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी एनालिसिस से किसी भी तरह से भिन्न है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आज की ये चैलेंज, जो कि शेयर एकेडमी के लिए सबसे पहला चैलेंज है, 1000 शेयर 3 घंटे के अंदर चार्ट एनालिसिस। जिस टाइप के चार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, ये होगा कैंडलस्टिक, और वो भी इंट्राडे का। सबसे पहले वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम के साथ एक सबसे मेन और मेजर इंडिकेटर जो कि होंगे मूविंग एवरेजेस, और वो भी 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज। ओके, सो शुरू करते हैं पहले निफ्टी 500, ये सबसे पहली लिस्ट है हमारी जिसके अंदर निफ्टी के 500 शेयर्स हैं। सबसे पहले 3M इंडिया, ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म में शेयर अप ट्रेंड में है, बट शॉर्ट टर्म में ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस लेकर शेयर घूम रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। 200 डेज और 50 डेज दोनों ही मूविंग एवरेजेस के नीचे है, कोई फ्रेश बाई नहीं है, वेट कीजिए,
19,888 के लेवल का, जब तक शेयर यहां तक नहीं आता बाई नहीं करना है, बट इन लेवल्स का वेट करना है। 19,888 आवास, ऊपरी स्तरों पर बढ़ता हुआ शेयर, करंट मार्केट की जो हालत है, करंटली निफ्टी की हालत वो है डाउन ट्रेंड के अंदर। ऐसी हालत में अगर कोई भी शेयर 52 वीक्स हाई के पास में जाने के बाद रेसिस्टेंस लेता है ऊपरी स्तरों पर और बनाता है एक राउंडिंग टॉप पैटर्न, और राउंडिंग टॉप लेकर धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है, फ्रेश बाय करने से पूरी तरह से बचिए। एबीबी ध्यान से देखिए, सेम कंडीशन है, लंबे समय में शेयर अप ट्रेंड में है बट ऊपरी स्तरों पर एक रेसिस्टेंस ले रहा है। कहां पर? तकरीबन 1625 पर। रेसिस्टेंस लेने के बाद ऊपरी स्तरों से गिरना शुरू होता है, एक डबल टॉप की जैसी स्थिति बना रहा है। वॉल्यूम कंफर्म कीजिए डबल टॉप का, अप्रॉक्सीमेट कंफर्म हो रहा है। फर्स्ट डबल टॉप में वॉल्यूम मिलता है आपको, सेकंड डबल टॉप के अंदर वॉल्यूम बहुत कम होता है, ठीक। और उसके बाद शेयर वहां से ब्रेक डाउन करता है, 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों के ही नीचे, कोई फ्रेश बाय नहीं है एबीबी के अंदर। सपोर्ट्स 1223, वेट कीजिए इन लेवल्स का फ्रेश बाय करने से पहले। आदित्य बिरला कैपिटल, ऊपरी स्तरों से तेजी से गिरता हुआ शेयर, रुकने की कोशिश करता है, कंसोलिडेशन जोन जैसी कोशिश करता है, बट अगेन उसके निचले स्तर जो है कंसोलिडेशन के 98 के, वहां से ब्रेक डाउन लेता है, फिर नीचे की गिरावट शुरू कर देता है। आ रहा है अपने निचले सपोर्ट लेवल के पास में 78 के पास में, तब तक के लिए कोई फ्रेश बाय नहीं है, करंटली शेयर 82 पर, पूरी तरह से अवॉइड करना है। ABFRL एक ट्राइंगुलर पैटर्न बना रहा है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, या फिर आप कह सकते हैं कि शेयर के अंदर आने वाली वॉलिटिलिटी, ये वॉलिटिलिटी दिख रही है, ये कम होती जा रही है। जैसे जैसे वॉलिटिलिटी कम होती जा रही है, वॉलिटिलिटी कम होने के बाद शेयर ने एक ब्रेकआउट दिया, बेहतरीन ब्रेकआउट है, और वो भी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट, प्राइस में भी ब्रेकआउट है और ब्रेकडाउन है, माफ कीजिएगा, और वॉल्यूम में भी ब्रेकडाउन है। सो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन है, शेयर नीचे की तरफ जा रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, वेट कीजिए। सपोर्ट लेवल है 171 का, 171 तक के लिए वेट कीजिए। ACC सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी, करंटली एक कंसोलिडेशन जोन में है, प्योर टेक्निकल कॉल है, इसमें किसी भी तरह का कोई फंडामेंटल इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंसोलिडेशन जोन के अंदर है शेयर 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में, जब तक नहीं निकलता है 1590 के पार, तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं है। 1590 के पार निकले, फ्रेश बाय कीजिए, टारगेट्स होंगे 1725 के लिए। अदानी ग्रीन, बहुत ही बेहतरीन चार्ट, हायर हाई हायर लो कॉन्टिन्यूसली शेयर फॉर्म कर रहा है, ऊपरी स्तरों पर जा रहा है, करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय किया जा सकता है, 50 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है। फ्रेंड्स ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें कोई फंडामेंटल शामिल नहीं है। 52 रुपए के लिए करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, 46.80 पर है शेयर, बाय कीजिए इन लेवल्स पर, टारगेट होगा 52 रुपीज का। अदानी पोर्ट्स, ऊपरी स्तरों पर असिस्टेंस लेता है 422 पर और शेयर गिरना शुरू करता है नीचे, अप्रॉक्सीमेट ट्रिपल टॉप जैसी स्थिति दिखा रहा है, ये दिख रहा है आपको 1, 2 और 3, ट्रिपल टॉप जैसी स्थिति है, वहां से रेसिस्टेंस लेने के बाद शेयर नीचे गिर रहा है, करंटली 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, वॉल्यूम के साथ में शेयर गिर रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, अवॉइड कीजिए और साथ ही वेट कीजिए लेवल्स का 360 पर, अगर सपोर्ट लेता है उसके बाद कोई फ्रेश बाय देंगे, तब तक के लिए अवॉइड। अदानी पावर बेहतरीन तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है ऊपर, बट ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा रेसिस्टेंस मिला है शेयर को और शेयर ऊपरी स्तरों पर गिरना शुरू हो रहा है। शेयर के पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहां से शेयर अभी गिर रहा है वो है 53 के, 53 तक आता है तब तक वेट करना है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है जिस तरीके की गिरावट शेयर के अंदर हो रही है। अदानी ट्रांसमिशन सेम राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्म कर रहा है और ऊपरी स्तरों से लगातार नीचे गिरने को तैयार, कोई फ्रेश बाय नहीं है, वजह क्या है? 200 डेज मूविंग एवरेज तोड़ा है शेयर ने, जो कि मेजर लेवल है, अगर 200 डेज मूविंग एवरेज तोड़ता है तो आमतौर पर यह माना जाता है कि शेयर के अंदर ट्रेंड रिवर्सल होने के संकेत हैं, और ऊपरी स्तरों पर जाता हुआ शेयर अगर 200 डेज मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ तोड़ रहा है तो यह शेयर का डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, कोई फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचना चाहिए, वेट कीजिए लेवल्स का जो कि सपोर्ट लेवल होंगे शेयर के तकरीबन 184 के। देन एडवांस्ड एंजाइम, डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, हालांकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं बट फंडामेंटल यहां तो हम देख ही नहीं रहे, यहां सिर्फ टेक्निकल्स देख रहे हैं। सपोर्ट लेवल है शेयर का अप्रॉक्सीमेट जिन लेवल्स के पास में है वहीं पर 148, जो कि मेजर डाउन ट्रेंड है, इसलिए फ्रेश बाय किसी भी तरह की नहीं करनी है। एजिस केमिकल, ऊपरी स्तरों पर जाने के बाद शेयर ने एक डबल टॉप की स्थिति दिखाई, क्लियर दिख रहा है आपको, ये डबल टॉप की स्थिति है, डबल टॉप के बाद शेयर डाउन ट्रेंड में आता है, 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, एक मेजर सपोर्ट जोन शेयर का जो है उसके भी नीचे आज ब्रेक डाउन दिया है 192 के नीचे, वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन, कोई फ्रेश बाय नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड करना है शेयर को। AIA इंजीनियरिंग, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ शेयर, बहुत ही शानदार रनअप दे रहा है, एक मेजर चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस चैनल का सबसे ऊपरी स्तर जो है वो बार बार छूते हुए निचले स्तरों पर सपोर्ट लेता है और करंटली इसी चैनल के निचले स्तरों पर है, 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट ले रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, जिस तरीके से शेयर गिरा है, जितनी तेजी के साथ में शेयर गिरा है 3 दिनों में, कोई फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचना चाहिए। सो देखते हैं कि
लेटेस्ट सपोर्ट कहां पर होगा शेयर का? सपोर्ट है 1652 पर, 1652 तक आने का वेट कीजिए, तब तक कोई फ्रेश बाई नहीं करनी है AIA इंजीनियरिंग के अंदर। देन अजंता फार्मा, डाउन ट्रेंड, वो भी मेजर डाउन ट्रेंड, कॉन्टिन्यूसली शेयर गिर रहा है। किन लेवल से? 2000 के लेवल से। अप्रॉक्सीमेट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ, ये दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसी स्थिति है जहां से कि शेयर ब्रेक डाउन दिया है शेयर ने इसकी नेक को, हेड एंड शोल्डर की नेक को ब्रेक किया 1893 के लेवल पर, उसके बाद शेयर वन साइडेड डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 960 का, शेयर ने इसे भी ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लगातार नीचे, कोई फ्रेश बाई नहीं है। एक्जो इंडिया, ध्यान से देखिए, ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट के बाद दोबारा शेयर तैयार है ऊपर चलने के लिए, बार बार 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज इनके ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली शेयर बार बार इन्हीं के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन जैसा बना रहा है, जिस जोन के बीच में शेयर कंसोलिडेट हो रहा है। कोई फ्रेश बाई नहीं है जब तक नहीं निकलता शेयर 1810 के पार, उससे पहले कोई फ्रेश बाई नहीं करना है शेयर में किसी भी तरह का। शेयर है एक्जो इंडिया, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ओके वी आर बैक इन बिजनेस। अलाहाबाद बैंक, PSU बैंक, बहुत ही बुरी हालत है, कंपनी मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, पूरी तरह से नीचे गिर रही है, कोई फ्रेश बाई नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड करना है। 50 डेज 200 डेज दोनों मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, साथ ही एक ब्रेक डाउन दिया है, वो भी गैप के साथ, गैप डाउन है, दिख रहा है आपको। एलकेम, पूरी तरह से अवॉइड करना है शेयर को, अगर टेक्निकल कॉल लेनी भी है ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखा रहा है और बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के पार, जब तक ब्रेक नहीं करता शेयर लेवल्स को 1832 डिसाइसिवली, अगर ब्रेक करता है 1832 उसके बाद ही फ्रेश बाई करनी है, और टारगेट्स होंगे इसमें 1977 के, ब्रेकआउट करने के बाद अगर शेयर बाहर निकलता है तो ही फ्रेश बाई करना है। और फ्रेंड्स टारगेट्स हम यहां पर नहीं दे रहे हैं, हम यहां पर आप सिर्फ शेयर आपको ये बता रहे हैं कि किस शेयर में बाई करना चाहिए और किस शेयर को अवॉइड करना चाहिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से, ओके। देन कम्स अल कार्गो, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, साथ ही 50 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे, मेजर डाउन ट्रेंड, शेयर लगातार लोअर लो लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे जा रहा है, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है। अमर राजा बैटरीज, बैटरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शेयर, ऊपरी स्तरों से लगातार नीचे गिरने के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी, जो कि 648 का था, उसे तोड़कर नीचे आता है, निचले स्तरों पर थोड़ा सा एक फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये देखने में आपको कुछ कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा लग रहा है, इस बात की पूरी संभावना है कि शेयर ऊपरी स्तरों पर निकलने की कोशिश करे, बट फ्रेश बाय बिल्कुल नहीं करना है। वजह क्या है? जब तक नहीं तोड़ता है ये अपनी नेकलाइन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी नेकलाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा, रेसिस्टेंस माफ कीजिएगा, 200 डेज मूविंग एवरेज पर, जो कि है 700 पर, जब तक 700 के लेवल को ब्रेक नहीं करता शेयर तब तक कोई फ्रेश बाय करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, अवॉइड कीजिए इसे, मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है। अंबुजा सीमेंट, ध्यान दीजिए, डाउन ट्रेंड के अंदर लगातार 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, ध्यान रखिए कि अगर शेयर के अंदर डाउन ट्रेंड है तो कोई फ्रेश बाई करना ही नहीं है शेयर में, बाउंस बैक के लिए शेयर को बाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं शेयर्स को बाई करेंगे जो टेक्निकली अच्छा संकेत दे रहे हैं। सो शेयर नीचे है अंबुजा सीमेंट, 50 डेज और 200 डेज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है। आंध्रा बैंक, मेजर डाउन ट्रेंड है, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, दिख रहा है आपको 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, ऐसे शेयर्स को बाय करने वाला कोई मूर्ख ही होगा, ओके। देन कम्स एलापोलो, अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाया शेयर ने, बहुत ही बेहतरीन, और उसके बाद 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया लगातार तीन बार, सपोर्ट लेने के बाद करंट मार्केट में गिरावट की वजह से शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया है। फ्रेश बाय करने से पूरी तरह से बचिए जब तक शेयर है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, एक बार शेयर निकलता है 1500 के लेवल के पार उसके बाद ही फ्रेश बाय कीजिएगा। क्यों? 1500 के लेवल के पार निकलने का मतलब है शेयर 50 डेज और 200 डेज दोनों मूविंग एवरेजेस के न केवल ऊपर निकलेगा बल्कि शेयर अप ट्रेंड में भी आ जाएगा, और हमेशा ध्यान रखिए कि बाय आपको शेयर में तभी करना है टेक्निकली जब शेयर अप ट्रेंड के अंदर है, हमेशा ट्रेंड एनालिसिस ध्यान रखनी है इसे। APLL, ओके, APL लिमिटेड डाउन ट्रेंड के अंदर है, अगेन सेम चीज है, जो ग्रेडियंट है वो बहुत कमजोर है, शेयर गिर रहा है बट बहुत धीरे धीरे गिर रहा है, बट फिर भी है तो डाउन ट्रेंड के अंदर ही, और करंटली भी शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे एक दो तीन बार रेसिस्टेंस ले चुका है 200 डेज मूविंग एवरेज का, तो जब तक शेयर नहीं निकलता इस इंपॉर्टेंट असिस्टेंस लेवल के पार, जो कि है 550 का, तब तक कोई फ्रेश बाई नहीं करनी है। उम्मीद है फ्रेंड्स यहां तक की जर्नी आप एंजॉय कर रहे होंगे। अपोलो हॉस्पिटल, ध्यान से देखिए, ये फिबोनाची सपोर्ट लेवल है, इसकी जरूरत अभी नहीं है करंटली। शेयर के अंदर एक फ्लैग पैटर्न जैसा फॉर्म हुआ है निचले स्तरों पर, ये रहा फ्लैग का पोल और ये है फ्लैग का आगे का झंडा, जिसके कपड़े का पार्ट जो होता है, ठीक है। सो
अवॉइड है प्योर, वजह क्या है, शेयर एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है और ये कंसोलिडेशन जोन धीरे 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 कमजोर हो रहा है। फ्रेश बाय अगर करनी है अपोलो हॉस्पिटल के अंदर तो जब तक शेयर पार नहीं निकलता 1376 के तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं करनी है। उसकी एक वजह और भी है, शेयर को इमीडिएटली निकलते ही एक रेसिस्टेंस मिल जाएगा 1496 पर, तो जब तक शेयर डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं देता तब तक कोई फ्रेश बाय करने से बचिए। अपोलो टायर मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, 50 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि है 176 का, इससे भी नीचे कोई फ्रेश बाय करने की गलती मत कीजिए। शेयर में प्राइस के साथ वॉल्यूम का ब्रेकडाउन हुआ है, डेली कैंडलस्टिक पर पूरी तरह से अवॉइड करना है शेयर को, कोई फ्रेश बाय नहीं है। देन कम्स अशोका, डाउन ट्रेंड के अंदर है, एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन जैसा बन रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये कंसोलिडेशन जोन है जिसके अंदर शेयर लगातार घूम रहा है। इस कंसोलिडेशन जोन के बिल्कुल निचले पार्ट पर ध्यान रखिए कि करंटली मार्केट जिस तरीके से गिर रही है, टेक्निकल एनालिसिस करते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, और मार्केट का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड के अंदर। सो इस तरह के शेयर्स जो कि कंसोलिडेशन जोन के निचले हिस्से में है, कई बार ऐसा होता है कि ये ब्रेकडाउन देकर नीचे की तरफ चलना शुरू कर दें, इसलिए इन लेवल्स पर इसे पूरी तरह से कीजिए अवॉइड। अशोका लीलैंड ऑटो इंडस्ट्री का दिग्गज शेयर, और डाटा बहुत ही खराब आया है इसका, बट फंडामेंटल्स नहीं देखने हैं तो टेक्निकल्स देखिए। कंसोलिडेशन जोन अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि शेयर कंसोलिडेशन जोन के निचले स्तर को ब्रेकडाउन देकर नीचे की तरफ चल रहा है, सेम वही किया है अशोका लीलैंड ने, वॉल्यूम और प्राइस इन दोनों का ही ब्रेकडाउन हुआ है, कोई बाई नहीं करना है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। एशियन पेंट्स बेहद शानदार नतीजों के साथ शेयर हर बार 52 वीक्स हायर हाई हायर लो, 52 वीक्स हाई पर शेयर खड़ा है, बट क्या इस रनअप के बाद शेयर में बाई करना चाहिए, जवाब है बिल्कुल नहीं। टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में अगर किसी भी शेयर में अच्छा खासा एक रनअप आ जाए तो उस रनअप का फिबोनाची सपोर्ट लेवल लीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है फिबोनाची तो हम यहां आपको अभी नहीं सिखाएंगे, अभी हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे इसकी। फिबोनाची सपोर्ट लेवल का 50% रिट्रेसमेंट जो कि होगा तकरीबन 1421 का, इन लेवल्स के पास में आकर अगर शेयर रुकता है स्टेबल हो जाता है तब फ्रेश बाय कर सकते हैं, वरना उससे पहले करंट लेवल पर फ्रेश बाय नहीं करना है एशियन पेंट्स के अंदर। वजह यह है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, शेयर में ऑलरेडी एक रनअप आ चुका है। देन देखते हैं एस्टर डीएम, मेजर डाउन ट्रेंड है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, शेयर ऊपरी स्तरों से लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, कोई सेकंड ओपिनियन देने की जरूरत ही नहीं है। एस्ट्रल पाइप्स बहुत ही बेहतरीन शेयर, हायर हाई हायर लो बनाते हुए लगातार ऊपर जा रहा था और अचानक से ऊपरी स्तरों पर शेयर को थोड़ा सा रेसिस्टेंस मिलता है, लेवल है 1350 के, कमजोर होता है शेयर, राउंडिंग टॉप पैटर्न देता है बेहतरीन और वहां से गिरना शुरू करता है, सपोर्ट लेता है 200 डेज मूविंग एवरेज का, बट इस सपोर्ट के बाद शेयर के पास एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस भी है जो कि है 1285 का, जब तक शेयर इसके पार नहीं निकलता तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं करनी है क्योंकि शेयर के अंदर एक वीकनेस आ रखी है। एस्ट्राजेन ध्यान से देखिए, बेहतरीन शेयर था, राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद हायर हाई हायर लो बनाता हुआ शेयर ऊपर निकल रहा है और करंटली 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में आकर सपोर्ट ले रहा है। अगर प्योर टेक्निकल कॉल लेनी है इसके अंदर बिना किसी फंडामेंटल्स के तो बाय करना है शेयर को जब 2021 के लेवल के पार निकलता है तब बाय कीजिए। टारगेट्स होंगे आपके पास में 2343 के जो कि इंपॉर्टेंट एक रेसिस्टेंस जोन है इसका। अतुल बहुत ही बेहतरीन अप ट्रेंड था शेयर का, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, बट सेम वही कहानी है जो एस्ट्रल के साथ हुई, ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस लेता है और डाउन ट्रेंड में आ जाता है शेयर, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद थोड़े से कंसोलिडेशन जोन के बीच में रुका हुआ है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। वजह है शेयर के अंदर वीकनेस आ रखी है, ऊपरी स्तरों से लगातार गिर रहा है, अतुल के अंदर करंट लेवल पर वीकनेस है इसलिए कोई फ्रेश बाय नहीं है। जब तक शेयर नहीं निकलता 3726 के पार तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं है। जिस तरीके की गिरावट शेयर के अंदर आ रखी है वो वॉल्यूम के साथ कोरोबोरेट हो रही है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ कोरोबोरेट हो रही है, फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचिए। AU स्मॉल बैंक सेम वही कंडीशन है, निचले स्तरों से अप ट्रेंड की कोशिश की बट निफ्टी की गिरावट ने शेयर को भी रोक लिया, अगेन सेम चीज़ है, राउंडिंग टॉप पैटर्न और शेयर धीरे धीरे 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट ले रहा है। फ्रेश बाय करने की बिल्कुल गलती मत कीजिए, कोई फ्रेश बाय नहीं होगा करंट लेवल्स पर, शेयर को पूरी तरह से अवॉइड करना है। देन कम्स ऑरो फार्मा, मेजर ब्रेकडाउन हुआ है, एक कंसोलिडेशन जोन था बहुत ही बड़ा, 809 से लेकर 573 जिसके बीच में शेयर ब्रेक मूवमेंट करता रहता था, करंटली शेयर ने इन्हीं लेवल्स के नीचे ब्रेकडाउन दिया है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं आया है बट फिर भी शेयर के अंदर ब्रेकडाउन आया है, 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है शेयर, इसलिए कोई फ्रेश बाय नहीं करनी है, पूरी तरह से अवॉइड करना है। ओके फ्रेंड्स, सो अब ले जाते हैं इसे थोड़ा सा ऊपर और शुरू करते हैं अवंती फीड से, मेजर डाउन ट्रेंड है, बोनस और स्प्लिट होने के बाद शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर कॉन्टिन्यूसली आया है और किन स्तरों से गिर रहा है शेयर, 850 रुपए से लगातार गिरता जा रहा है। निचले स्तरों पर शेयर के पास में एक सपोर्ट था बेहतरीन जो कि था 313 का, शेयर उससे भी नीचे है करंटली 309 के लेवल पर,
ट्रेड कर रहा है ब्रेक डाउन देने के बाद, कोई फ्रेश बाई करने की बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए, 20 मिनट्स हो चुके हैं। ओके, देन कम्स एक्सिस बैंक। ध्यान से देखिए, ऊपरी स्तरों पर असिस्टेंस लेने के बाद शेयर के अंदर एक गिरावट आई है, ये एक डबल टॉप की स्थिति है फ्रेंड्स, ये डबल टॉप है। डबल टॉप पर असिस्टेंस लेने के बाद शेयर डाउन में आता है और साथ ही साथ एक ब्रेक डाउन होता है, वो भी प्राइस वॉल्यूम और गैप डाउन। ये गैप दिख रहा है, गैप डाउन का मतलब है शेयर के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है जिस भी तरफ शेयर जा रहा है, यानी कि जो ये करंटली डाउन ट्रेंड की स्ट्रेंथ है ये बहुत ही स्ट्रांग है और शेयर यहाँ से और नीचे आ सकता है 627 के लेवल तक। कोई फ्रेश बाय नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। बजाज ऑटो फ्रेश ब्रेक डाउन आया है सपोर्ट लेवल्स के नीचे, साथ ही साथ एक और अगले सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ रहा है शेयर। 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, लगातार लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। ऑटो सेक्टर का शेयर है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड करना है इसे। बजाज कौन, कोई फ्रेश बाय नहीं है, सेम 200 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, हर बार लोअर लो लोअर हाई, और रिसेंटली शेयर ने एक ब्रेकडाउन दिया और ये ब्रेकडाउन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी दे रहा है, ये प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन है। वॉल्यूम के साथ जब भी शेयर गिरेगा हमेशा उसकी गिरावट या फिर उसकी बढ़ोतरी सस्टेनेबल होगी, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। बजाज इलेक्ट्रिकल्स बेहतरीन फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है शेयर ने, बाय करने से बिल्कुल बचिए, पूरी तरह से दूर रहिए। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज ऊपरी स्तरों पर असिस्टेंस लिया, देन गिरना शुरू हो गया, लगातार लोअर लो लोअर हाई, डाउन ट्रेंड के अंदर है चार्ट, कोई फ्रेश बाय नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। बजाज होल्डिंग्स हायर हाई हायर लो बना रहा है, लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है, करंटली शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचिए। अगर शेयर निकल आता है 3561 के पार तो फ्रेश बाय कीजिए, टारगेट्स होंगे 3772 के, उससे पहले कोई फ्रेश बाय नहीं है। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के बाद है बजाज फाइनेंस, दोनों का रेट और चार्ट ऑलमोस्ट, माफ कीजिएगा रेट नहीं, दोनों का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, लोअर लो लोअर हाई शेयर फॉर्मेशन दे रहा है, एक बेहद बेयरिश फॉर्मेशन होती है ये, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को भी ब्रेक कर दिया है शेयर ने, जो गैप अप था उस गैप को फिल कर दिया है और शेयर करेंटली डाउन ट्रेंड में है, वॉल्यूम के साथ प्राइस का ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। बीकेटी या बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर इंडस्ट्री का शेयर बेहद बड़े डाउन ट्रेंड में है, मेजर डाउन ट्रेंड है शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। 774 के भी नीचे चला गया है शेयर जो कि एक सपोर्ट जोन था, फ्रेश बाय करने से बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बालमल लॉरी बहुत ही बेहतरीन शेयर फंडामेंटल्स के हिसाब से, बट टेक्निकली बेहद खराब, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ लगातार 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, कोई फ्रेश बाय नहीं। बलरामपुर चीनी एक बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न देकर शेयर अपनी पूरी रन अप कंप्लीट कर चुका है, एक रेसिस्टेंस जोन जो कि इससे पहले शेयर का 50 डेज मूविंग एवरेज 52 वीक्स हाई हुआ करता था, उन लेवल्स के आसपास शेयर ने लिया रेसिस्टेंस जो कि थे तकरीबन 160 के लेवल, वहां पर रेसिस्टेंस लेने के बाद शेयर धीरे धीरे डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, फ्रेश बाय करने से बचिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है, वीकनेस है शेयर के अंदर, सपोर्ट लेवल होंगे तकरीबन 133 के, जब तक यहां तक नहीं आता तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं करना है क्योंकि शेयर के अंदर वीकनेस है और निचले स्तरों पर जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली शेयर इन सपोर्ट लेवल्स के पास में कुछ समय के लिए ठहराव लेगा। बंधन बैंक कोई फ्रेश बाय नहीं है, ब्रेक डाउन हुआ है, क्रॉस ओवर है गोल्डन 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का और इस गोल्डन क्रॉस ओवर के बाद शेयर के अंदर गिरावट आनी शुरू हो रही है, वो भी वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचिए। बैंक ऑफ बड़ौदा हालत पूरी तरह से खराब है, ध्यान दीजिए, कई बार शेयर ने कोशिश की कि निचले स्तरों से ऊपर जाए, हायर हाई हायर लोज बनाने की भी कोशिश की बट हर बार नाकामयाब रहा, 125 के स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के आगे शेयर की एक न चली और उसके बाद शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है, करंटली सपोर्ट ले रहा है 104 पर, बट चूंकि शॉर्ट टर्म का ट्रेंड शेयर का डाउन ट्रेंड है इसलिए कोई फ्रेश बाय नहीं करनी है, पूरी तरह से अवॉइड करना है। बैंक ऑफ इंडिया कंसोलिडेशन जोन था, मेजर कंसोलिडेशन जोन शेयर के पास में, बहुत ही शानदार, ऊपरी स्तर थे 102 के और निचले स्तर 82 के, यानी अप्रॉक्सीमेट 20% का कंसोलिडेशन जोन था जिसके बीच में शेयर कंसोलिडेट हो रहा था, बट फ्रेश ब्रेक डाउन दिया है शेयर ने और करंटली है 72 पर, लोअर लेवल के जो सपोर्ट थे उन्हें तोड़ दिया और शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया, फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचिए, शेयर को पूरी तरह से अवॉइड करना है। BSF मेजर डाउन ट्रेंड है, ऊपरी स्तरों से लगातार गिर रहा है, 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों के नीचे है, कोई फ्रेश बाय नहीं है। बाटा इंडिया मल्टीपल टॉप्स दिए हैं बाटा इंडिया ने एक अच्छे खासे रनअप के बाद और रेसिस्टेंस लेने के बाद, अपना सपोर्ट लेवल जो कि था 1305 का उसे ब्रेक करके शेयर नीचे है, अगर निकलता है 1305 के ऊपर और डिसाइसिवली बंद होता है दो तीन दिनों तक या फिर 3 या 4% के पास में, यानी कि
लगभग शेयर 1320 1320 के ऊपर बंद हो तब कीजिए शेयर के अंदर फ्रेश बाय, लंबे समय तक रखिए इसे अपने पोर्टफोलियो में, टारगेट्स होंगे 1467 के। बीबीटीसी प्योर डाउन ट्रेंड है, किसी भी तरह की कोई फ्रेश बाय नहीं है, ऊपरी स्तरों से लगातार गिरता जा रहा है शेयर। 200 डेज 50 डेज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे, साथ ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 1166 इसे भी ब्रेक किया और उसके बाद एक सपोर्ट लेवल था 896 का, इसे भी ब्रेक किया, कोई फ्रेश बाय नहीं है। बीडीएल बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न दे रहा है, ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद शेयर के अंदर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न आ रहा है, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट नेक लाइन है जिसे शेयर ने धीरे धीरे करके तोड़ने की कोशिश की है। 305 के पार निकलता है शेयर के अंदर, बिल्कुल फ्रेश बाय कर सकते हैं, टारगेट्स होंगे 340 के लिए, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। बीईएल ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस लिया है शेयर ने, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिया है, उसके बाद रेसिस्टेंस लिया ब्रेकआउट देने के बाद, फ्रेश बाय करंट लेवल्स पर करना अवॉइड कीजिए जब तक शेयर नहीं निकलता है 107 के लेवल के पार। उसकी वजह क्या है, 107 के आसपास तक आते हुए शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों को डिसाइसिवली ब्रेक कर देगा, डिसाइसिवली ब्रेक करने के बाद ही फ्रेश बाय कीजिए। 107 के पार निकलता है शेयर तब बीईएल के अंदर फ्रेश बाय करना है और टारगेट्स होंगे 122 के, सबसे पहले टारगेट्स, अल्टीमेट टारगेट्स बहुत हाई हो सकते हैं बीएल के जितना लंबे समय तक आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। बीईएमएल कंसोलिडेशन जोन था, बहुत ही शानदार निचले स्तरों पर शेयर ने 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा, ऊपरी स्तर थे 1000 के, निचले स्तर थे 777 के। इस कंसोलिडेशन जोन के बिल्कुल बीचों बीच में शेयर है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है जब तक शेयर नहीं निकलता 1000 के लेवल के पार। देन कम्स बर्जर पेंट्स, कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट देने की तैयारी है, जैसे ही शेयर निकलता है 336 के पार उसके बाद कीजिए फ्रेश बाय, उससे पहले बर्जर पेंट्स के अंदर कोई फ्रेश बाय नहीं करनी है करंट लेवल पर। भारत फोर्ज मेजर डाउन ट्रेंड है, लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, 200 डेज और 50 डेज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। भारतीय एयरटेल राउंडिंग बॉटम पैटर्न देने के बाद रेसिस्टेंस ले रहा है 363 का, 363 के लेवल्स को एक बार ब्रेक कर दे और इसके ऊपर निकल जाए बाय कीजिए, टारगेट्स होंगे 390 के। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL जो भी कहिए इसे, मेजर डाउन ट्रेंड है, PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक PSU इकाई है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों के ही नीचे है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है शेयर के अंदर। बायोकॉन बेहतरीन शेयर, ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस लेता है और रेसिस्टेंस लेने के बाद एक शानदार कंसोलिडेशन जोन जो कि शेयर का था, उस कंसोलिडेशन को ब्रेकडाउन देने के बाद, बोनस शेयर इशू करने के बाद शेयर और भी नीचे आ रहा है। सपोर्ट लेवल है शेयर के 225 के, जिनके पास सपोर्ट ले रहा है, बस जिस तरीके की गिरावट शेयर दिखा रहा है, जिस इंटेंसिटी की गिरावट दिखा रहा है, जिसमें कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों का ही ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं करनी चाहिए बायोकॉन के अंदर, शेयर में और भी नीचे आने की संभावनाएं हैं। सपोर्ट लेवल होगा तकरीबन 194 का, यह है बायोकॉन। देन कम्स बिरला कॉरपोरेशन, अगेन सेम चीज़, राउंडिंग बॉटम पैटर्न देने के बाद शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज को दो बार क्रॉस करता है और दोबारा उसके नीचे आ जाता है, चूंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर कमजोरी है इसलिए फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचिए। जब तक शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता 50 डेज मूविंग एवरेज के साथ, तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं है। 607 को ब्रेक करता है बाय कर लीजिए, सबसे नजदीकी टारगेट्स होंगे 681 के। देन कम्स ब्लिस, बेहद शानदार चार्ट पैटर्न है शेयर का, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो था शेयर का 155 का, उसे ब्रेक डाउन दिया है शेयर ने वॉल्यूम के साथ में, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है, अवॉइड कीजिए शेयर को। क्वेश्चन, किन लेवल तक शेयर आ सकता है, आंसर 144 तक। देन कम्स ब्लू डार्ट, मेजर डाउन ट्रेंड है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, प्योर अवॉइड करना है। ब्लू स्टार कंपनी मीडियम टर्म चार्ट बहुत ही शानदार, राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद हायर हाई हायर लो, बट करंटली शेयर ने 200 डेज मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है जब तक शेयर नहीं निकलता 752 के पार निकले, उसके बाद ही फ्रेश बाय कीजिए, करंट लेवल पर फ्रेश बाय नहीं करनी है। बॉम्बे डाइंग पूरी तरह से अवॉइड करना है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, और साथ ही साथ शेयर ने दिया है एक फ्रेश ब्रेकडाउन। थोड़ी सी थकान लग रही है फ्रेंड्स, पता है लगातार बोल रहे हैं ना इस वजह से। बॉश बहुत ही बेहतरीन, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, बट चार्ट पर 200 डेज और 50 डेज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 17198 का ब्रेक किया है, कोई फ्रेश बाय नहीं है। बीपीसीएल HPBPIOC सेम वही चीज़, राउंडिंग बॉटम देने के बाद शेयर ब्रेक डाउन देता है फ्रेश, 200 और 50 डेज मूविंग एवरेज दोनों के ही नीचे है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस बहुत ही शानदार चार्ट है, 50 डेज मूविंग एवरेज के पास में शेयर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद जब तक शेयर नहीं निकलता है
265 के पार तब तक फ्रेश बाई नहीं करना है। वजह क्या है, 265 के पास में शेयर के पास में एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस लेवल जब शेयर ब्रेक करे तब कीजिए शेयर में फ्रेश खरीदारी, जब ये पार निकलता है तो। ओके सो ब्रिगेड हो गया, ब्रिगेड के बाद देते हैं ब्रिटानिया का क्या हाल है। लगातार डाउन ट्रेंड में है शेयर, ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस लिया है शेयर ने। रेसिस्टेंस के लेवल है तकरीबन 3175 के, ये दिख रहा है एक राउंडिंग टॉप पैटर्न, और उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो रहा है। कोई फ्रेश बाय नहीं करनी, पूरी तरह से कीजिए अवॉइड शेयर के अंदर। सपोर्ट लेवल को शेयर ने ब्रेक किया है, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके सो ब्रिटानिया में करना है पूरी तरह से अवॉइड इसे, फ्रेश बाय बिल्कुल नहीं करना है। और जो सपोर्ट लेवल ब्रिटानिया के होंगे, जिन लेवल्स पर करेंटली है, यहां से और नीचे आ सकता है 2431 के लेवल पर, तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं है। देन कम्स बीएससी, पूरी तरह से अवॉइड करना है। फ्रेश ब्रेक डाउन आ रखा है, ऊपरी स्तरों से लगातार गिर रहा है शेयर, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ, किसी तरह का कोई बाई नहीं है शेयर के अंदर, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। सपोर्ट लेवल जो थे 564 के, शेयर ने उन लेवल्स को भी तोड़ दिया है। ओके फ्रेंड जस्ट अ मिनट, क्योंकि सेशन हो गया है डिसकनेक्ट, एक बार इसे रिकनेक्ट कर देते हैं, देन वी विल बैक। हाँ ओके सो ये है बीएससी, फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, किसी तरह का कोई बाइंग का सिग्नल नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। देन कम्स कैडिलैक हेल्थ, कैडिला हेल्थ मेजर ब्रेकडाउन है फार्मा सेक्टर में, 200 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज दोनों के नीचे कोई फ्रेश बाय नहीं है, क्लियर दिख रहा है आपको। कैनरा बैंक एक कंसोलिडेशन जोन है, और कंसोलिडेशन जोन के निचले स्तरों पर है कैनरा बैंक, सपोर्ट लेगा 220 का, तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड है। कैनफिन होम्स बहुत ही शानदार शेयर, और ये है बाइंग करने के लिए, बहुत देर के बाद एक अच्छा कैंडिडेट मिला। कैसे, शेयर हायर हाई हायर लो बना रहा है, 50 डेज 200 डेज दोनों मूविंग एवरेजेस के पार है शेयर, करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं। सबसे नज़दीकी टारगेट 425 के, करंट लेवल है 387 का, इन लेवल्स पर बाय करना चाहिए बिल्कुल कैनफिन होम्स को। देन कम्स कैपलिन पॉइंट, बेहद शानदार चार्ट है, कैनफिन होम्स की तरह ही राउंडिंग बॉटम पैटर्न दे रहा है, ये राउंडिंग बॉटम है, और शेयर एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। जैसे ही शेयर निकलता है 439 के पार तब करना है फ्रेश बाय, ये एक मेजर नेकलाइन है शेयर की, जैसे ही शेयर इसे पार करे उसके बाद फ्रेश बाय कीजिए। 439 के पार फ्रेश बाय करने के बाद टारगेट्स आपके पास में क्या होंगे इसे एक बार बता देते हैं। तकरीबन 500 के टारगेट्स आपको मिलेंगे 439 के पार बाय करने के बाद में, बहुत ही शानदार चार्ट है। देन कम्स कार्बन यूनिवर्सल, बेहतरीन शेयर ऊपरी स्तरों पर असिस्टेंस लेने के बाद, करंटली डाउन ट्रेंड में है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, 50 डेज और 200 डेज दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे, सपोर्ट लेगा शेयर तकरीबन 290 का, तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं है, डाउन ट्रेंड के अंदर है तो शेयर के अंदर कोई फ्रेश बाय नहीं है। केयर रेटिंग, रेटिंग एजेंसीज हालत बुरी तरह से खराब है, 50 डेज 200 डेज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे कोई फ्रेश बाय नहीं है। कैस्ट्रॉल इंडस्ट्रीज, मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, सेम वही 50 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। सीसीएल प्रोडक्ट्स डाउन ट्रेंड में, ग्रेडियंट कमजोर जरूर है मगर शेयर पूरी तरह से गिर ही रहा है, कोई फ्रेश बाय करने से बचिए। हालांकि निचले स्तरों पर शेयर थोड़ी सी कोशिश कर रहा है संभलने की, बट संभल नहीं पाएगा, वजह यह है कि हर बार रेसिस्टेंस मिलता है 50 डेज मूविंग एवरेज के पार, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है, ये वो है जो प्रैन नंबर का मेंटेनेंस करती है, मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड है। सीएट टायर सेक्टर के अंदर, ऑटो इंसरीज का हालत खराब है, शेयर मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, अवॉइड करना है बिल्कुल। सेंट्रल बैंक डाउन ट्रेंड के अंदर, 50 डेज और 200 डेज दोनों मूविंग एवरेजेस से नीचे। सेंचुरी प्लाई सेम कंडीशन है, 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, साथ ही एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है शेयर ने, कोई बाय नहीं है। सेरा सिरामिक सेम कंडीशन, कोशिश कर रहा था बार बार निकलने की 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, बट फ्रेश ब्रेकडाउन आया है शेयर के अंदर, बाइंग करना है 2897 के पार, यानी कि तकरीबन 2900 के पार जब निकलता है शेयर तभी फ्रेश बाय करना है, उससे पहले सेरा के अंदर फ्रेश बाइंग नहीं है। सीईएससी मेजर डाउन ट्रेंड है, शेयर ने एक राउंडिंग बॉटम दिया और उसके बाद 200 डेज मूविंग एवरेज के पार भी निकला, कुछ दिन सस्टेन किया बट अचानक से नीचे गिरता है, वेट कीजिए जब तक शेयर नहीं पार करता 782 का, तब तक के लिए। सीजी पावर सेम कंडीशन है, मेजर ब्रेकडाउन है शेयर के अंदर, डाउन ट्रेंड कॉन्टिन्यूअसली, कोई फ्रेश बाय नहीं है, अवॉइड करना है इसे। चलैट कंसोलिडेशन जोन, मेजर कंसोलिडेशन दिख रहा है ना ये, और इस कंसोलिडेशन को ब्रेकडाउन दिया और शेयर इस कंसोलिडेशन के निचले हिस्से पर है, सपोर्ट ले रहा है बार बार 320 का, बट कोई फ्रेश बाय नहीं है जब तक शेयर नहीं निकलता। 327 के पार तब कीजिए फ्रेश बाय 343 के टारगेट्स के लिए। चंबल फर्टिलाइजर बेहतरीन शेयर है, ऊपरी स्तरों पर एक डबल टॉप जैसी स्थिति दिखाई है, ध्यान से देखिए शेयर के पास में एक डबल टॉप जैसी स्थिति है, डबल टॉप के बाद शेयर नीचे गिर रहा है 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज दोनों के नीचे, सपोर्ट लेवल शेयर के लिए बनेंगे करीब करीब 138 के, तब तक शेयर से अवॉइड कीजिए, दूर रहिए, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाय नहीं है। चेन्नई पेट्रो मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है,
कोई फ्रेश बाई नहीं करना है, हर बार शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेते हुए लगातार नीचे जा रहा है। चोला मंडलम फाइनेंस, राउंडिंग टॉप पैटर्न कहिए या इसे कहिए ट्रिपल टॉप पैटर्न, स्प्लिट हुआ है शेयर, स्प्लिट होने के बाद कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है, थोड़ी सी अप ट्रेंड की कोशिश आज कर रहा है, बट जब तक शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक फ्रेश बाई नहीं करना है, शेयर से पूरी तरह से रहना है दूर। हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ का, कोई फ्रेश बाई नहीं है, चार्ट पूरी तरह से खराब हो चुका है शेयर का। चोला होल्डिंग पूरी तरह से अवॉइड करना है, कंसोलिडेशन जोन 519 से 462 के नीचे, और इसी कंसोलिडेशन जोन का निचला हिस्सा ब्रेक डाउन दिया है शेयर ने और नीचे की तरफ आया है, साथ ही वॉल्यूम भी आया, ब्रेक डाउन के साथ वॉल्यूम आया है, ये बात बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। अवॉइड करना है पूरी तरह से शेयर में, कोई भी फ्रेश बाय बिल्कुल नहीं करना है। देन कम सिप्ला, सेम कंडीशन है, कंसोलिडेशन जोन था सिप्ला के पास बहुत ही अच्छा 566 से 520 के बीच में, और इसके बाद शेयर ब्रेक डाउन दे रहा है, कहाँ पर 520 का ब्रेक डाउन दिया है, करंटली शेयर 520 के आसपास में है यहीं पर, बट इसे पूरी तरह से ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम के साथ में शेयर गिरा है, सो फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचना चाहिए जो कि कंसोलिडेशन के निचले हिस्से पर है। फ्रेश बाय किन लेवल्स पर करना है, जब तक शेयर नहीं निकलता 566 के पार तब तक शेयर में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, और जब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी तब तक फ्रेश बाय करने से आपको बचना चाहिए। कोल इंडिया मेजर ब्रेक डाउन है, बहुत ही बुरी तरह से गिर रहा है शेयर, कोई फ्रेश बाय करने से बचिए शेयर के अंदर, जिस तरीके की गिरावट है, जितनी इंटेंसिटी के साथ गिर रहा है और वो भी वॉल्यूम लेकर, कोई फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। कोचीन शिपयार्ड लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ शेयर ब्रेक डाउन देते जा रहा है, हर सपोर्ट लेवल को तोड़ रहा है, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है, मेजर ब्रेक डाउन है शेयर के अंदर। ओके सो 35 मिनट्स हो चुके हैं, चलिए कंटिन्यू रखते हैं। कैफे कॉफी डे सभी को पता है, करंटली जो इनके सिद्धार्थ जी हैं उनके साथ में जो एक दुखद घटना हो गई जिसकी वजह से शेयर के अंदर लगातार दो दिनों तक कॉन्टिन्यूसली लोअर सर्किट लगा है 20% का, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए इसे। कोलगेट पामोलिव, ये है चार्ट बेहतरीन, ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद शेयर एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न दे रहा है, बहुत ही बढ़िया, जिसमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न में शेयर के पास में एक अच्छी नेकलाइन है जो कि है तकरीबन 1188 की। अगर आपको थोड़ी सी इसके अंदर सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, तो 1200 के लेवल को क्रॉस करने दीजिए शेयर को, 1200 का लेवल क्रॉस करता है कोलगेट पामोलिव बिल्कुल बाय कर सकते हैं, लेवल्स होंगे 1300 के लिए, टारगेट्स हैं 1300 के। कंटेनर कॉरपोरेशन ऊपरी स्तरों से बेहतरीन डाउन ट्रेंड, शॉर्ट टर्म में ही सही बट शेयर डाउन ट्रेंड में है, 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है, पूरी तरह से करना है अवॉइड। फ्रेंड सीरीज चल रही है इस समय, 1000 शेयर्स 3 आवर्स के अंदर चार्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप सीख सकें टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, और साथ ही साथ इस तरह के सेशन से आत्मनिर्भर बने और भविष्य में अपने लिए चार्ट एनालिसिस खुद ही कर सकें। ओके देन कम्स कोरो मंडल, बेहतरीन, देखिए जरा ऊपरी स्तरों से शेयर कैसा डाउन ट्रेंड के अंदर आया है, एक बार कोशिश की 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की बट असफल रहा, निचले स्तरों पर शेयर के पास एक सपोर्ट लेवल था जिन सपोर्ट लेवल के पास में ही है शेयर, और करंटली लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ लगातार नीचे जा रहा है, कोई फ्रेश बाइक नहीं करनी है शेयर में, पूरी तरह से शेयर से रहना है दूर। देन कम्स कॉरपोरेशन बैंक, मेजर डाउन ट्रेंड है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, कुछ बोलना ही नहीं, चार्ट देखते ही पता चल जाता है अवॉइड करना है। कॉक्स एंड किंग्स अवॉइड करना है पूरी तरह से शेयर को, लोअर सर्किट में चल रहा है शेयर, कुछ नहीं बचा है इस कंपनी के अंदर। क्रेडिट टैक बहुत ही बेहतरीन चार्ट है शेयर का, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अप ट्रेंड के अंदर, जहां कि आपने देखा कॉक्स एंड किंग्स जैसी कंपनियां जो लगातार नीचे जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट टैक लगातार ऊपरी स्तरों पर जा रहा है, करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय किया जा सकता है, 524 का लेवल है, टारगेट्स होंगे 585 के। देन कम्स क्रिसिल, मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, 200 डेज और 50 डेज दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे, देखिए जरा ध्यान से, शेयर ने एक सपोर्ट जोन है जिसे ब्रेक किया है, सपोर्ट जोन है 1355 का, ब्रेक डाउन दिया है शेयर, नीचे की तरफ जा रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। ओके सो सी तक कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, क्रिसिल के बाद आता है क्रॉम्पटन, बहुत ही बढ़िया चार्ट है बट करंट लेवल्स पर बाय करने से थोड़ा सा बचना है, शेयर एक बार निकल जाए 231 के पार बाय करना है बिल्कुल, और टारगेट्स होंगे 248 के। वजह क्या है, कंसोलिडेट हो रहा है शेयर, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद अगर राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट हो जाता है और शेयर अप ट्रेंड में आता है 231 के पार निकलता है, बिल्कुल फ्रेश बाय कर सकते हैं। CUB ध्यान से चार्ट को देखिएगा, ऊपरी स्तरों पर असिस्टेंस मिलता है शेयर को 219 के, और वहां से शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर आना शुरू हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन गिरावट होती है, 200 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे निकलता है शेयर, बेहद शानदार पैटर्न है शेयर का, कोई फ्रेश बाई नहीं करनी है, वेट कीजिए 185 के लेवल्स का।
देन कम्स क्यूमिन सीड्स 200 डेज और 50 डेज, दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे। वीकनेस अवॉइड कीजिए। साइंट मेजर डाउन ट्रेंड 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, अवॉइड। डाबर बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, शेयर 200 डेज और 50 डेज दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, साथ ही साथ हायर हाई हायर लोज बनाते हुए हर बार ऊपर निकल रहा है। एक बेहद छोटा सा एसिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है जिसे कि ब्रेकआउट देने की कगार पर डाबर करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय किया जा सकता है। सबसे नज़दीकी टारगेट जो डाबर में होंगे वो होंगे 458 के। देन कम्स डालमिया भारत, मेजर ब्रेकडाउन है 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, कोई फ्रेश बाय नहीं है। डीबी कॉर्प 200 डेज और 50 डेज सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे, शेयर के अंदर कुछ नहीं बचा है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। DBL प्योर वही चीज़, डाउन ट्रेंड के अंदर शेयर, जो शेयर के अंदर आई हुई थी एक अच्छी खासी वॉलीटिलिटी, वो वॉलीटिलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और शेयर एक फ्रेश ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे है शेयर। DCAL डाउन पैटर्न के अंदर कंसोलिडेशन जोन के निचले स्तरों पर और धीरे धीरे ब्रेकडाउन देने की तैयारी, मूविंग एवरेजेस के नीचे, यानी कि शेयर के अंदर वीकनेस है, कुछ नहीं करना है, शेयर को पूरी तरह से अवॉइड करना है। DCB बैंक रेसिस्टेंस लेता है 240 के लेवल पर, ट्रिपल टॉप की स्थिति बनाता है, ट्रिपल टॉप के बाद शेयर ब्रेकडाउन देता है वॉल्यूम के साथ, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, कोई फ्रेश बाय नहीं करनी है। सपोर्ट लेवल कहाँ होंगे शेयर के, 172 के पास में सपोर्ट लेता है, उसके बाद ही किसी तरह की कोई फ्रेश बाय करने के बारे में सोचिएगा, तब तक पूरी तरह से अवॉइड कीजिए शेयर को, कोई फ्रेश बाय करने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिएगा। देन कम्स DCM श्रीराम, ब्रेकडाउन देखिए, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, डबल टॉप जैसी स्थिति थी जहां से DCM श्रीराम टूटा है, ब्रेकडाउन देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, पूरी तरह से अवॉइड करना है शेयर को। दीपक फर्टिलाइजर, मेजर ब्रेकडाउन हुआ है शेयर में, 200 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे, कुछ नहीं करना, अवॉइड करना है पूरी तरह से। दीपक नाइट्राइट बेहतरीन शेयर है, ऊपरी स्तरों पर हालांकि शेयर को रेसिस्टेंस मिला है और शेयर निचले स्तरों पर आकर एक सपोर्ट ले रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के पास। इन स्तरों पर सपोर्ट लेने के बाद अगर शेयर निकलता है 285 के पार तो करनी चाहिए फ्रेश बाय 329 के टारगेट्स के लिए। डेल्टा कॉर्प मेजर डाउन ट्रेंड है शेयर के अंदर, फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, कोई बाय नहीं है, पूरी तरह से कीजिए इसे अवॉइड। DHFL बहुत ही खराब चार्ट पैटर्न, लगातार गिर रहा है शेयर, 600 के लेवल से गिरता हुआ शेयर 49 के लेवल पर आ गया है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, रिकवरी का कोई संकेत नहीं है। डिश टीवी सेम कंडीशन DHFL की तरह, एक तरफा गिरावट है, शेयर गिर रहा है 104 के लेवल से, 60% वैल्यू इरोड कर चुका है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड करना है शेयर को 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। DV's लैब बेहतरीन चार्ट है शेयर का, बट आज के दिन जो एक थोड़ा सा ये शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया है, इसलिए थोड़ा सा कंसर्न है। फ्रेश बाय अगर करना है तो शेयर में फ्रेश बाय करनी चाहिए 1662 के पार जब निकलता है शेयर, तब कीजिए फ्रेश बाय इसमें 1733 के टारगेट्स के लिए, उससे पहले कोई फ्रेश बाय नहीं करनी है करंट लेवल्स पर, थोड़ा सा सावधान रहना है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज राउंडिंग बॉटम पैटर्न दे रहा था, अप ट्रेंड में आने की कोशिश थी बट अगेन डाउन ट्रेंड में आ गया शेयर, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड के अंदर है, किसी भी तरह की कोई फ्रेश बाय अवॉइड कीजिए। देन कम्स DLF, बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन जोन है, 196 से लेकर निचला स्तर है 170 का, इसी के बीच में शेयर कंसोलिडेट हो रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं करनी चाहिए, जब तक शेयर नहीं निकलता है 196 के लेवल के पार तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। डीमार्ट बेहतरीन चार्ट, करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय किया जा सकता है, राउंडिंग टॉप पैटर्न देने के बाद हायर हाई हायर लोज बना रहा है, एक गैप अप दिया था और जिस गैप अप को फिल भी कर दिया गया है डीमार्ट के द्वारा, करंट लेवल पर है डीमार्ट 1482, करंट लेवल्स पर अगर बाय किया जाता है तो जो सबसे पहले टारगेट्स मिलेंगे वो होंगे 1600 के टारगेट्स के लिए, डीमार्ट करंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज बेहतरीन शेयर, ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट दे रहा है, रेसिस्टेंस लिया है 2931 पर, वहाँ से शेयर गिर रहा है 200 डेज और 50 डेज दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे, करंटली भी 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, फ्रेश बाय पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए और वेट करना चाहिए शेयर का कि जब शेयर सपोर्ट ले करीब करीब 2500 के लेवल्स के आसपास में तब फ्रेश बाय करने के बारे में सोचना चाहिए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। ई क्लर्क्स पूरी तरह से अवॉइड करना है, 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है। एडलवाइस सेम कंडीशन है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, कंसोलिडेशन जोन के निचले स्तरों पर कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। आयशर मोटर मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे, डाउन ट्रेंड में कोई फ्रेश बाय नहीं है। EID पैरी शुगर इंडस्ट्रीज़ का शेयर मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर, कोई फ्रेश बाय नहीं है।
ईआई होटल बहुत ही बेहतरीन गिरावट है, एक शानदार क्रॉसओवर दिख रहा है जिसे गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। जब रेड क्रॉसओवर ग्रीन कर जाए यानी कि बड़ा मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाए छोटे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ, यानी कि शेयर के अंदर गिरावट होनी शुरू हो रही है और शेयर इस समय यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर दिखा रहा है। इस गोल्डन क्रॉसओवर की वजह से शेयर में कोई फ्रेश बाई नहीं करना है, पूरी तरह से करना है शेयर को अवॉइड। एलगी इक्विपमेंट देखिए, रेसिस्टेंस लिया है शेयर ने 270 पर, और 270 पर रेसिस्टेंस लेने के बाद निचले स्तरों पर एक सपोर्ट जोन था शेयर का 255 का, उसे भी ब्रेक किया और शेयर नीचे की तरफ चलना शुरू कर रहा है। कोई फ्रेश बाय नहीं करना है, वेट करना है शेयर्स का। जब सपोर्ट लेता है शेयर 237 के पास में, तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं है। इमामी मेजर ब्रेक डाउन है शेयर के अंदर, डाउन ट्रेंड में लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ शेयर, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है शेयर के अंदर। जिस तरीके की गिरावट है शेयर में, मेजर मूविंग एवरेजेस से नीचे है शेयर। एंड्योरेंस फ्रेश ब्रेक डाउन दिख रहा है, ये क्लियर कोई बाय नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर शेयर्स जो हैं उनके अंदर फ्रेश ब्रेक डाउन आ रखा है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, मेजर डाउन ट्रेंड है शेयर में, साथ ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है उसका भी ब्रेक डाउन है वॉल्यूम के साथ। कुछ नहीं करना है, चार्ट देखते ही आप जान सकते हैं कि शेयर में क्या करना चाहिए क्या नहीं। देन कम सिक्विटास, मेजर ब्रेक डाउन है शेयर में, निचले स्तरों से थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश की बट रेसिस्टेंस मिला है शेयर को तकरीबन 138 के लेवल के पास में, और रेसिस्टेंस के बाद शेयर अगेन डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया है। कोई फ्रेश बाई नहीं करना है, मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर। और देखें ज़रा, वीडियो बन रहा है बिल्कुल सही, 45 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे है, वेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके सपोर्ट लेवल का, जो कि सपोर्ट लेवल होंगे शेयर के पास 102 के, तब तक पूरी तरह से करना है अवॉइड। देन एरिस लाइफ साइंसेस पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है। स्कॉर्ट अगेन सेम कंडीशन है, मूविंग एवरेजेस से नीचे है मेजर, गोल्डन क्रॉस ओवर जिस जगह पर शेयर ने क्रॉस किया था वो लेवल थे तकरीबन 734 के, वहाँ से अप्रॉक्सीमेट वहाँ से भी आधा होने की कगार पर है शेयर, कोई फ्रेश बाई नहीं है, पूरी तरह से करना है अवॉइड। ई अप्रॉक्सीमेट खत्म करने के लेवल पर हम लोग आ चुके हैं। SL प्रोपैक बेहद शानदार चार्ट पैटर, निचले स्तरों से हायर हाई हायर लो बनाता हुआ शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट लेता है। करंट लेवल पर 132 है, बिल्कुल बाई किया जा सकता है। इन लेवल्स पर अगर बाई करते हैं तो जो सबसे पहले टारगेट्स आपको मिलेंगे वो होंगे तकरीबन 140 के, और 140 क्रॉस करने के बाद शेयर और ऊपर जा सकता है तकरीबन 145 के लेवल्स के लिए। करंट लेवल पर SL प्रोपैक को बिल्कुल बाई कर सकते हैं। देन कम्स एक्साइड इंडस्ट्रीज, डाउन ट्रेंड के अंदर है, ऑटो इंसिलरी के अंतर्गत आता है, और चूंकि ऑटो की हालत ख़राब है इसलिए एक्साइड भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। कोई फ्रेश बाई नहीं करना है शेयर में, मेजर डाउन ट्रेंड है। फ्यूचर कंज्यूमर सेम कंडीशन है, बेहद बुरी तरह से गिर रहा है शेयर, कोई फ्रेश बाई नहीं है, मूविंग एवरेजेस के नीचे है शेयर। FDC ध्यान से देखिएगा, सेम कंडीशन 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे शेयर नीचे की तरफ जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जिसे शेयर ने ब्रेक किया है जो कि है 162 का, उसके नीचे है शेयर, कोई फ्रेश बाई नहीं। फेडरल बैंक ऊपरी स्तरों से रेसिस्टेंस लेने के बाद जो कि लेवल से तकरीबन 108 के, वहां से शेयर गिर रहा है नीचे, मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे है, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है शेयर के अंदर, पूरी तरह से कीजिए इसे अवॉइड। देन कम्स फिनोलैक्स केबल, ऊपरी स्तरों से रेसिस्टेंस लेता है 200 डेज मूविंग एवरेज के पास 1, 2, 3, 4, 5 बार, डाउन ट्रेंड के अंदर है मेजर, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है, पूरी तरह से शेयर को अवॉइड करना चाहिए। फाइन ऑर्गेनिक्स बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस के बाद शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट ले रहा है, बट फ्रेश बाय करने से थोड़ा सा बचिए। फ्रेश बाय करना है अगर तो शेयर को 1443 के पार निकलने दीजिए, उसके बाद फ्रेश बाय करना है। ओके, देन कम्स फिन पाइप, बहुत ही बढ़िया चार्ट ये है, चार्ट शानदार, खरीदने लायक कंपनी का। ध्यान से देखिए, कैनफिन होम्स की तरह ही राउंडिंग बॉटम पैटर्न दे रहा है और शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के पार निकलने के लिए तैयार पूरी तरह से। जब निकलता है 531 के पार तब कीजिए फ्रेश बाय शेयर के अंदर, 531 के पार निकलता है और फ्रेश बाय करते हैं तो टारगेट्स आपके पास में होंगे 570 के, यानी तकरीबन 10% के टारगेट्स मिल जाएंगे आपको, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। FL 52 वीक्स हाई पर है शेयर और धीरे धीरे ऊपरी स्तरों पर थकने लगा है, ऊपरी स्तरों पर धीरे धीरे शेयर को वीकनेस मिल रही है और शेयर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसलिए इन स्तरों पर कोई बाई नहीं है। जैसा कि आपको क्लियर दिख रहा है कि ये कंसोलिडेशन जोन जैसा बन गया है जिसके अंदर शेयर झूल रहा है। ऊपरी स्तर हैं इसके 492 के और निचले स्तर हैं 444 के, इससे अवॉइड करना है पूरी तरह से। फोर्टिस मेजर ब्रेक डाउन है शेयर, 200 डेज और 50 डेज दोनों ही मूविंग एवरेजेस के नीचे है। देन कम्स फ्री टेल,
सेम कंडीशन है, बोथ मूविंग एवरेजेस के नीचे है शेयर, 50 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे, हालांकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास में है शेयर जो कि है तकरीबन 407 का, लेकिन शेयर के अंदर कोई फ्रेश बाई नहीं है जो कि मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर आ रखा है इसलिए। देन कम्स फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, FSL एक कंसोलिडेशन जोन के बीच में है, कंसोलिडेशन जोन में है इसलिए करंट लेवल पर कोई फ्रेश बाई नहीं करना है। जोन है 51.93 और निचला लेवल है 48.56 का, तो जब एक बार शेयर क्रॉस कर जाए इन लेवल्स को यानी कि तकरीबन 52.50 के लेवल को क्रॉस करे तब फ्रेश बाई कीजिए, टारगेट्स होंगे 62 के। बहुत ही शानदार चार्ट है FSL का। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ब्रेक डाउन आया है शेयर में, मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे, कोई फ्रेश बाई नहीं है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट बहुत ही बढ़िया चार्ट है, शेयर सपोर्ट ले रहा है 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का, करंट लेवल पर बिल्कुल बाई किया जा सकता है शेयर, टारगेट्स होंगे 1297 के, करंट लेवल हैं 1224 के। गया प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन चार्ट, डाउन ट्रेंड के अंदर पूरी तरह से करना चाहिए अवॉइड, कोई फ्रेश बाई नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। क्यों? 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज दोनों के ही नीचे है शेयर इसलिए। ओके फ्रेंड्स, अब लेंगे थोड़ा सा ब्रेक बिल्कुल, और अभी अभी आते हैं आपके पास। ओके ओके फ्रेंड्स, हम ले रहे हैं चैलेंज आज का, और ये चैलेंज है 1000 शेयर्स का 3 आवर्स के अंदर टेक्निकल एनालिसिस करना। सो शुरू करते हैं आगे। ये था गया प्रोजेक्ट, शेयर है 200 डेज और 50 डेज दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे, मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे और डाउन ट्रेंड के अंदर है, लगातार लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, शेयर अवॉइड करना है पूरी तरह से करंट टेबल पर। देन कम्स GDL, मेजर डाउन ट्रेंड है, किसी तरह का कोई फ्रेश बाई नहीं है, पूरी तरह से कीजिए अवॉइड। GEPIL ऊपरी स्तरों पर एक राउंडिंग टॉप पैटर्न दिख रहा है ना, ये क्लियर राउंडिंग टॉप पैटर्न दे रहा है, गिरावट है शेयर के अंदर, कमजोरी है, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है। सपोर्ट लेवल शेयर के अंदर है 730 के, यहां तक जब तक नहीं आता तब तक कोई फ्रेश बाई नहीं है। GE Ship पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, डाउन ट्रेंड के अंदर है मेजर, कोई फ्रेश बाई नहीं है। GETND या एलस्टॉम नाम था इसका एक समय का, डाउन ट्रेंड के अंदर फ्रेश ब्रेक डाउन आया है वॉल्यूम के साथ, अवॉइड करना है। GHCL सेम कंडीशन है, एक सपोर्ट लेवल था शेयर का 234 का, नीचे है उसके और मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे, पूरी तरह से करना है अवॉइड। GICRE 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज दोनों के ही नीचे, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जिसे शेयर ने ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ, कोई फ्रेश बाई नहीं है, अवॉइड कीजिए। जिलेट बेहद शानदार चार्ट पैटर्न, करंटली शेयर है 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बट 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, एक बार जब शेयर निकलता है 50 डेज मूविंग एवरेज के पार, 7240 के पार निकलता है तब करना है फ्रेश बाय, जो इमीडिएट टारगेट्स होंगे शेयर में वो होंगे 7525 के। देन कम्स ग्लैक्सो, मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाई नहीं है, पूरी तरह से कीजिए अवॉइड मूविंग एवरेजेस के नीचे। ग्लेनमार्क फार्मा सेम कंडीशन, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, कोई फ्रेश बाय नहीं है। GMDC लिमिटेड मेजर डाउन ट्रेंड, फ्रेश बाय कोई नहीं, अवॉइड कीजिए। GMR इंफ्रा सेम कंडीशन है, डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, कोई फ्रेश बाय नहीं है। GNFC सेम कंडीशन, 200 डेज और 50 डेज दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे, शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है मेजर। गॉडफ्रे फिलिप्स सेम कंडीशन, डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, कोई फ्रेश बाय नहीं है, और ध्यान रखिए बाउंस बैक के लिए शेयर को बाय करने की कभी भी गलती मत कीजिएगा मार्केट के अंदर। ओके 473 के लेवल्स का एक सपोर्ट जोन था जो कि पार किया है गोदरेज एग्रो ने, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, मेजर ब्रेकडाउन आया है शेयर में, प्राइस और वॉल्यूम दोनों का ही ब्रेकडाउन है। गोदरेज कंज्यूमर प्राइस बेहद शानदार चार्ट है, डाउन ट्रेंड की तरफ कोई फ्रेश बाई नहीं है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है ना क्लियरली, मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे। गोदरेज इंडस्ट्रीज सेम कंडीशन, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ शेयर हर बार रेसिस्टेंस लेता है 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में, प्योर अवॉइड है। गोदरेज प्रॉपर्टीज इकलौता शेयर गोदरेज के अंदर जो कि बेहतरीन चार्ट पैटर्न, हायर हाई हायर लो और हायर हाई हायर लो बनाने के साथ में शेयर रेसिस्टेंस ले रहा है 970 के पास में, जब शेयर पार करे 970 को डिसाइसिवली यानी 970 के लेवल को पार करता है और उसके पार रुकता है तब करना चाहिए शेयर में फ्रेश बाय, टारगेट्स होंगे 1094 के। देन कम्स GPPL, मेजर ब्रेकडाउन, कोई फ्रेश बाय नहीं है, मूविंग एवरेजेस के नीचे है शेयर। ओके ग्रैन्यूल्स इंडिया सेम कंडीशन, ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस लिया है ट्रिपल टॉप की स्थिति बनाकर, 1, 2 और 3 ट्रिपल टॉप की स्थिति बनाकर, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ शेयर, डाउन ट्रेंड के अंदर कोई फ्रेश बाई नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड करना। ग्रेफाइट बहुत ही बुरी हालत है कंपनी की, चार्ट देखते ही अंदाजा लगा लीजिए अवॉइड है पूरी तरह से। ग्रासिम फ्रेश ब्रेक डाउन आया है, शेयर ने कोशिश की थी निचले स्तरों से ऊपर जाने की बट ब्रेक डाउन दिया है एक सपोर्ट लेवल 870 का, जिसे ब्रेक किया है शेयर ने, डाउन ट्रेंड वॉल्यूम के साथ में ब्रेक डाउन, कोई फ्रेश बाई नहीं है। ग्रीव्स कॉटन सेम कंडीशन है,
200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के पास में बेसिकली शेयर ले रहा है रेसिस्टेंस। एक कंसोलिडेशन जैसी हालत हो रखी है शेयर की, इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। फ्रेश बाय करने से पूरी तरह से बची है शेयर में, जब तक कि नहीं निकलता है 150 के लेवल के पार तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं करनी है, चूँकि शेयर के अंदर आ रखी है वीकनेस। ग्राइंड वेल सेम कंडीशन, ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस लिया है ग्राइंड वेल ने, रेसिस्टेंस जोन है 606 की और वहाँ से शेयर धीरे धीरे नीचे आ रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के पार नीचे की तरफ। वीकनेस है शेयर में, कोई फ्रेश बाई नहीं है, वेट कीजिए लेवल्स का जहां तक कि शेयर आ सकता है 519 तक का। ग्रुप फाइनेंस कंपनी बेहतरीन हुआ करती थी बट करंटली डाउन ट्रेंड के अंदर है, सेम मूविंग एवरेजेस के नीचे, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है। GSFC ध्यान से देखिए, फ्रेश ब्रेकडाउन आ रखा है और साथ ही लोअर लो लोअर हाई ये कॉन्टिन्यूसली दिख रहा है आपको, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। GSK कॉन्स बहुत ही बढ़िया चार्ट है, शेयर हायर हाई हायर लो दिखा रहा है, साथ ही साथ 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेसिस्टेंस है नियर बाई का 7520 का। जब तक GSK कॉन्स 7520 के सपोर्ट को, माफ कीजिएगा, रेसिस्टेंस को क्रॉस करके इससे ऊपर ना निकले फ्रेश बाई मत कीजिए। एक बार 7520 के रेसिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर निकलता है फ्रेश बाई कीजिए, टारगेट्स होंगे 7812 के। देन कम्स GSPL, बहुत ही बढ़िया चार्ट, सपोर्ट जोन को, रेसिस्टेंस जोन को माफ कीजिएगा, ब्रेक किया है शेयर ने 197 के और उसके बाद शेयर हायर हाई हायर लोज बनाने के लिए तैयार है। 211 के लेवल पर करंटली ट्रेड कर रहा है शेयर को, इन्हीं लेवल्स के पास में शेयर को बाय करना चाहिए, टारगेट्स होंगे सबसे नज़दीकी 226 के। देन कम्स गुजरात एल्कली, मेजर ब्रेकडाउन आया है, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है शेयर के अंदर। गुजरात गैस आज एक दिन के अंदर अप ट्रेंड आ रखा है, अप स्विंग, दो तीन दिनों का वेट करना चाहिए 167 के पार। जो ये आज एक दिन के अंदर जो ये ब्रेक आउट आया है वो भी गैप अप के साथ ब्रेकआउट आया है, शेयर इसके लिए वापस नीचे आएगा इस गैप को फिल करने के लिए। जब नीचे आता है तब 167 के पास में बाय कीजिए 192 के टारगेट्स के लिए। GULFOIL कंपनी का नाम तो नहीं पता, रेसिस्टेंस ले रहा है शेयर 1907 के पास, रेसिस्टेंस के बाद शेयर ने ब्रेकडाउन दिया है, कोई फ्रेश ब्रेकआउट माफ कीजिएगा कोई किसी तरह का कोई बाइंग नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोई बाय नहीं है, शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। हाथवे केबल्स रेसिस्टेंस लेने के बाद स्तर थे 29 के, शेयर ब्रेकडाउन के अंदर है, डाउन ट्रेंड है पूरी तरह से, कोई फ्रेश खरीदारी नहीं है। हार्टसन एक कंसोलिडेशन जोन था 732 से लेकर 700 का और उस कंसोलिडेशन को शेयर ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, कोई करंटली बाय नहीं है, पूरी तरह से शेयर को अवॉइड कीजिए। हैवल्स लेटेस्ट ब्रेकडाउन आया है, बहुत ही बुरी तरह से शेयर टूट रहा है, कोई फ्रेश ब्रेक खरीदारी की कोई संकेत नहीं। 600 के लेवल्स जो होंगे उनका वेट कीजिए शेयर, जब तक 600 पर आकर स्टेबल नहीं होता। HCL टेक ध्यान से देखिएगा, HCL टेक राउंडिंग टॉप पैटर्न दिखाने के बाद ऊपरी स्तरों से लगातार नीचे गिर रहा है शेयर और 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज दोनों के ही नीचे है। ओके HDFC ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस लेकर शेयर नीचे गिर रहा है, वेट कीजिए 1992 का, तब तक कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। HDFC AMC के अंदर एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वो भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जब तक ये फ्रेश ब्रेकआउट नहीं देता किसी भी तरफ कोई फ्रेश खरीदारी की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ट्रायंगल से जब भी कभी शेयर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है ये क्लियर नहीं है कि शेयर किस तरफ जाएगा, इसलिए फ्रेश खरीदारी से बचिए। HDFC बैंक ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस लेने के बाद शेयर के अंदर फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, वो भी गैप के साथ में, गिरावट जितनी तेज़ है शेयर और नीचे जाएगा तकरीबन 2121 के लेवल तक, 2121 के लेवल तक कोई खरीदारी नहीं बनती है। HDFC लाइफ बेहद शानदार चार्ट पैटर्न है शेयर का, सपोर्ट ले रहा है 475 पर, करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय करना चाहिए 525 के टारगेट्स के लिए। HEG सेम ग्रेफाइट जैसी हालत है, शेयर मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, अवॉइड कीजिए। हेडलबर्ग सीमेंट ऊपरी स्तरों पर शेयर के पास में आ रही है वीकनेस, ऊपरी स्तरों पर शेयर को मिल रहा है रेसिस्टेंस, ट्रिपल टॉप जैसी स्थिति बन रही है, फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचिए, निचले स्तरों पर शेयर आ सकता है 170 के लेवल पर। हेरिटेज फूड साउथ की एक कंपनी, बेहतरीन फूड प्रोसेसिंग की, मेजर ब्रेकडाउन है, कोई फ्रेश बाय नहीं है। हीरो मोटोकॉप ध्यान से देखिएगा, फ्रेश ब्रेकडाउन, कोई खरीदारी नहीं है, लोअर लो लोअर हाई अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। हेक्सावेयर बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न, करंट लेवल पर बिल्कुल बाय किया जा सकता है, कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, धीरे धीरे खरीदारी हो रही है, करंट लेवल है 363 का, बाय कर सकते हैं, टारगेट्स होंगे इसके लिए 410 के। HFCL ब्रेक डाउन आया है शेयर के अंदर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, कोई फ्रेश बाय नहीं करनी है। हिम्मत सीज डाउन ट्रेंड के अंदर है, पूरी तरह से कीजिए अवॉइड इसे। हिंडालको सेम वही 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज, यानी कि मूविंग एवरेजेस के नीचे है, कोई फ्रेश बाय नहीं, अवॉइड कीजिए।
हिंद कॉपर मूविंग एवरेजेस के नीचे प्योर अवॉइड कीजिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या HPCL पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। शेयर ने कोशिश की थी राउंडिंग बॉटम देकर 200 डेज मूविंग एवरेज के पार निकलने की, बट वीकनेस की वजह से शेयर दोबारा से नीचे आ रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया है। कंडीशनल बाय है कब, अगर शेयर निकलता है एक बार 292 के पार तभी करना है फ्रेश बाय। हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप लेवल पर राउंडिंग टॉप पैटर्न दिखा रहा है, हर बार शेयर वीकनेस आ रही है शेयर में ऊपरी स्तरों पर 1872 70 के लेवल पर, माफ कीजिएगा, कोई फ्रेश बाई नहीं है। शेयर सपोर्ट ले रहा है करंटली 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में, यदि शेयर निकलता है 761 के पार तो ही करना है फ्रेश बाई, वरना शेयर को अवॉइड करना है पूरी तरह से। हिंदुस्तान जिंक मेजर ब्रेकडाउन है, कोई फ्रेश बाई नहीं है, ध्यान रखिए, ये एक गोल्डन क्रॉस ओवर जैसी स्थिति बन रही है शेयर के अंदर, जहाँ की 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे और 200 डेज मूविंग एवरेज ऊपर है, प्योर फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, कोई बाई नहीं है, पूरी तरह से कीजिए इसे अवॉइड। ओके, एच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, चलिए कुछ शेयर्स और हैं इन्हें लेते हैं। होनुट फ्रेश ब्रेकडाउन 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के भी नीचे 23,919 के नीचे जब तक शेयर है, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है, शेयर के अंदर कमजोरी है अवॉइड कीजिए। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है, पूरी तरह से कीजिए अवॉइड। हुडको मेजर ब्रेकडाउन है, लोअर लो लोअर हाई अवॉइड कीजिए। इंडिया बुल रियल एस्टेट हालत बहुत ख़राब है, एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हुआ करता था शेयर के पास में 111 का, जिसे ब्रेकडाउन दिया है शेयर ने, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है शेयर के अंदर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सेम कंडीशन है, सपोर्ट जोन था शेयर के पास 663 का, जिसे ब्रेक किया है और शेयर नीचे की तरफ जा रहा है, ये बेसिकली ब्रेकडाउन है, अवॉइड करना है पूरी तरह से, कोई फ्रेश बाई नहीं है। इंडिया बुल्स ISL कोई खरीदारी नहीं है, फ्रेश ब्रेकडाउन है और वो भी लोअर लो लोअर हाई के साथ। इंडिया बुल वेंचर्स सेम कंडीशन, इंडिया बुल्स के चारों ही शेयरों में फ्रेश ब्रेकडाउन आ रखा है 262 के नीचे, कोई फ्रेश बाई नहीं है। ICICI बैंक इकलौता शेयर जिसका चार्ट पैटर्न अच्छा है, बट प्रॉब्लम यह है कि शेयर 52 वीक्स हाई के पास में है और साथ ही साथ ऊपरी स्तरों पर शेयर को थोड़ी सी वीकनेस मिल रही है। करंट लेवल पर चाहें तो बाई कर सकते हैं 425 पर, टारगेट्स होंगे 440 के, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के लिए करंट लेवल पर बाई कर सकते हैं। ICICI GI सिर्फ चार्ट पैटर्न देखेंगे और कुछ भी नहीं, ध्यान से देखिए करंट लेवल पर बिल्कुल बाई किया जा सकता है शेयर, लेवल्स हैं 1207 के, और रेसिस्टेंस कहां पर मिलेगा शेयर को, करीब करीब रेसिस्टेंस होगा 1262 का, तो इन लेवल्स के लिए बिल्कुल करंट लेवल पर बाई किया जा सकता है। वजह क्या है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, शानदार ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी साथ में नीचे अवेलेबल है इसके साथ, ठीक है ना, सो प्राइस के साथ वॉल्यूम मौजूद है, इसलिए आप फ्रेश बाय बिल्कुल कर सकते हैं इसके साथ। देन कम्स ICICI प्रूव, बेहद शानदार चार्ट पैटर्न है जैसा कि कैनफिन होम्स का था, राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन था 400 का, जिसे कि शेयर धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम के साथ में शेयर ऊपर निकल रहा है, करंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, टारगेट्स हैं 448 के। देन कम्स इकरा, कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड है और करंटली शेयर डाउन ट्रेंड के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, ऊपरी स्तरों पर आ रखा है, करंट लेवल्स पर इकरा को बिल्कुल बाय कर सकते हैं। सबसे नज़दीकी टारगेट्स जो होंगे वो होंगे 3473 के, करंटली शेयर है 3237 के पास में। देन कम्स IDBI, मेजर ब्रेकडाउन पूरी तरह से कीजिए अवॉइड। आइडिया मेजर ब्रेकडाउन पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, कोई फ्रेश बाई नहीं है। IDFC सेम वही ब्रेकडाउन, लोअर लो लोअर हाई, कोई फ्रेश बाई नहीं है। IDFC फर्स्ट बैंक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, एक सपोर्ट जोन के पास में, फ्रेश बाई कोई नहीं करनी है, वजह कंसोलिडेशन जोन के बीच में है, जब तक शेयर अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं देता है 46 के लेवल के पार, कोई फ्रेश बाई नहीं है। IN एक्सचेंज ब्रेकडाउन है शेयर के अंदर, लोअर लो लोअर हाई, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, कोई फ्रेश बाई नहीं है। IFB इंडस्ट्री सेम कंडीशन, डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, वो भी मेजर डाउन ट्रेंड में, अवॉइड कीजिए। IFCI मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, पूरी तरह से इसे अवॉइड कीजिए। IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बेहद शानदार चार्ट पैटर्न है, करंट लेवल पर सपोर्ट ले रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज का, बिल्कुल बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पर, टारगेट्स हैं 322 के, करंटली लेवल है 303 का। देन कम्स इंडियन होटल्स, बेहद शानदार चार्ट पैटर्न है, डाउन ट्रेंड में, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अभी अभी आया है शेयर, फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचिए। शेयर के पास में एक सपोर्ट लेवल है जो कि है 134 का, 134 के पास में सपोर्ट लेता है शेयर, उसके बाद ही किसी तरह की कोई फ्रेश बाय करनी है, तब तक अवॉइड कीजिए। इंडिया सीमेंट फ्रेश ब्रेकडाउन आया है शेयर के अंदर, एक सपोर्ट लेवल था 91 का, जहां से फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है शेयर ने, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। इंडियन बैंक फ्रेश ब्रेकडाउन पूरी तरह से अवॉइड कीजिए शेयर को। इंडिगो बेहतरीन शानदार चार्ट है, 50 डेज मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है, करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, टारगेट्स होंगे शेयर में 1694 के, करंट लेवल हैं 1556 के।
इंडिको डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। इंडो स्टार मेजर ब्रेकडाउन, रीसेंट फ्रेश ब्रेकडाउन आया है और देखिए सपोर्ट लेवल जो ब्रेक किया है शेयर ने वो है 348 का, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। इंडसइंड बैंक डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, पूरी तरह से कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। सपोर्ट लेवल शेयर के पास में जो होंगे वो होंगे तकरीबन 1335 के, और शेयर अप्रॉक्सीमेट उन्हीं लेवल्स के पास में है, फ्रेश बाई अवॉइड कीजिए। इन्फी बीम डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाई नहीं है, शेयर को पूरी तरह से अवॉइड करना है। इंफ्राटेल भारतीय एयरटेल की तरह ही कंपनी, मेजर ब्रेकडाउन फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। इन्फोसिस हायर हाई हायर लो बनाते हुए शेयर पूरी तरह से अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर है, जब तक नहीं वापस आता है शेयर और इस गैप को नहीं भरता तब तक फ्रेश बाई मत कीजिए, वेट कीजिए 730 के लेवल का, जब ये गैप भर जाए उसके बाद फ्रेश बाई कीजिएगा। आइनॉक्स लेजर करंटली डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, फ्रेश बाई करने से थोड़ा सा बचिए, इंतज़ार कीजिए कि शेयर थोड़ा सा सस्टेन हो और स्टेबल हो जाए लेवल्स के पास में, जो कि लेवल्स होंगे करंटली 273 के, उसके पास में आकर स्टेबल हो जाए देन कीजिएगा फ्रेश बाय। आइनॉक्स विंड कोई फ्रेश बाय नहीं है, शेयर मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन बेहद शानदार चार्ट पैटर्न है, 200 डेज मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेने के बाद शेयर ने 200 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया, निचले स्तरों पर एक डोजी फॉर्म कर रहा है, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से, शेयर में बहुत भारी वीकनेस है। IOB इंडियन ओवरसीज बैंक डाउन ट्रेंड में है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए शेयर को, कोई फ्रेश बाय नहीं बनता है शेयर में। ओके, देन कम्स IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से, शेयर में कुछ नहीं करना है। इपका लैब्स हायर हाई हायर लो, बेहतरीन चार्ट पैटर्न, राउंडिंग बॉटम जैसा, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपरी स्तरों पर असिस्टेंस देखिए कहां पर है, करंट लेवल्स पर अगर आप बाय करते हैं तो लेवल्स हैं 955 के, टारगेट्स मिलेंगे आपको 991 के, और शेयर इनसे भी पार जा सकता है करंट लेवल पर। IRB इंफ्रा बेहतरीन ब्रेकडाउन मिला है फ्रेश, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर आ रखा है। इरकॉन ध्यान से देखिएगा, फ्रेश ब्रेकडाउन है, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है। ISEC कंसोलिडेशन जोन के अंदर है शेयर के अंदर, बिल्कुल करंट लेवल पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, लेवल है 218 के, खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले टारगेट्स मिलेंगे 236 के। ITC फ्रेश ब्रेकडाउन है, कंसोलिडेशन जोन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन है और शेयर निचले स्तरों पर आ रखा है 273 को तोड़कर, करंटली है 270 के लेवल पर, फ्रेश खरीदारी से कीजिए इनकार, दूर रहिए शेयर से। ITDC ब्रेकडाउन आ रखा है शेयर के अंदर, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, लोअर लो लोअर हाई, अवॉइड कीजिए। ITDCEM फ्रेश ब्रेकडाउन क्लियरली दिख रहा है आपको, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, कोई बाइंग नहीं करनी है, एक सपोर्ट जोन था शेयर का 100 का, उसे भी ब्रेक कर दिया है, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। ITI सेम कंडीशन, एक कंसोलिडेशन जोन था जिसका ब्रेकडाउन दे दिया शेयर ने और नीचे की तरफ जा रहा है, कोई फ्रेश खरीदारी नहीं, अवॉइड कीजिए। J&K बैंक लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ शेयर बार बार नीचे जा रहा है, सपोर्ट जोन 38 का, उसे भी ब्रेक दे दिया शेयर ने, नीचे जा रहा है, अवॉइड कीजिए। जागरण प्रकाशन सेम हालत J&K बैंक की तरह, लगातार नीचे जाता हुआ जागरण प्रकाशन, प्योर अवॉइड कीजिए, कोई फ्रेश बाई नहीं है शेयर के अंदर। जैकार्प कॉरपोरेशन सेम कंडीशन है, कंसोलिडेशन जोन के बाद निचले लेवल पर एक सपोर्ट हुआ करता था शेयर के पास, कभी सपोर्ट लेवल था तकरीबन 85-80 का, ब्रेक कर दिया है जिसे शेयर ने वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम है और प्राइस है दोनों है, कोई फ्रेश बाई नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। जमनो ऑटो ऑटो इंसिलरी सेम कंडीशन, सपोर्ट लेवल को ब्रेक दिया है, ब्रेकडाउन है, कोई फ्रेश बाई नहीं है। JBC फार्मा बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, करंट लेवल पर बाई कर सकते हैं, लगातार शेयर ऊपरी स्तरों पर जा रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, चढ़ते शेयर को बाई करना चाहिए हमेशा, करंट लेवल है 370 का, बाई कीजिए, टारगेट्स होंगे 400 के लेवल के लिए। जेट एयरवेज प्योर अवॉइड करना है, कोई बाई नहीं है जेट एयरवेज के अंदर। जिंदल सौ पूरी तरह से अवॉइड करना है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक दिया है 73 के लेवल को। जिंदल स्टील सेम कंडीशन है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है शेयर, हालांकि शेयर के पास में एक सपोर्ट लेवल है जो कि है तकरीबन 123 का, सो वेट कीजिए 123 के पास में अगर शेयर सपोर्ट लेता है तो। देन कम्स जैन इरिगेशन, पूरी तरह से अवॉइड करना है शेयर, मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, कुछ नहीं करना है, कोई हाथ नहीं लगाना है। JK सीमेंट्स ऊपरी स्तरों से धीरे धीरे नीचे आ रहा है शेयर, सपोर्ट ले रहा है 50 डेज मूविंग एवरेज के पास में और उसे तोड़कर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शेयर के अंदर वीकनेस है इसलिए कोई बाई नहीं करना है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिएगा शेयर को। JK लक्ष्मी बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है, कंडीशनल बाई होगी शेयर में। कंडीशनल बाई क्या है, अगर 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों के पार निकलता है शेयर और वो होंगे लेवल्स तकरीबन 354 के, उसके बाद ही फ्रेश बाई करना है शेयर को, 354 के पार बाय करना है तो टारगेट्स होंगे आपके पास 394 के। देन कम्स JK पेपर, फ्रेश ब्रेकडाउन है, डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है,
कोई खरीदारी नहीं करनी है। जेके टायर ऑटो एंसिलरीज के अंदर शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाय नहीं है। जेएम फाइनेंशियल सेम कंडीशन है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, किसी तरह की कोई खरीदारी नहीं करनी है, पूरी तरह से करना है अवॉइड जेएम फाइनेंशियल्स को। जेपी एसोसिएट्स हालत ख़राब है कंपनी की, पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर, करना है पूरी तरह से अवॉइड, डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर। JSL सेम कंडीशन JP एसोसिएट्स की तरह, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, कंपनी के टेक्निकल्स बेहद ख़राब हैं। JSL हिसार सेम कंडीशन, डाउन ट्रेंड के अंदर, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। JSW एनर्जीज धीरे धीरे कंपनी राउंडिंग बॉटम दिखाने के बाद कंसोलिडेशन जोन में ऊपरी स्तरों पर आने की कोशिश कर रही है, अगर शेयर निकलता है 72 के पार तो ही कीजिए फ्रेश खरीदारी। 72 के पार निकले फ्रेश खरीदारी करेंगे तो टारगेट्स होंगे आपके पास में 80 के, उससे पहले कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है शेयर के अंदर। एक कंसोलिडेशन जोन है ये जिसके बीच में शेयर फंसा हुआ है। JSW स्टील ब्रेकडाउन फ्रेश अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज ब्रेकडाउन अवॉइड कीजिए। जुबिलेंट फूड फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, शेयर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 1203 पर, फिर भी अवॉइड करना है क्योंकि शेयर के अंदर है वीकनेस। जस्ट आयल बेहद ख़राब कंपनी, लगातार ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस मिला है शेयर को, लेवल्स हैं तकरीबन 782 के, वहाँ से शेयर ब्रेकडाउन दे रहा है बेहद शानदार, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है, अवॉइड करना है शेयर को पूरी तरह से जब शेयर के अंदर आ रही है गिरावट होके। देन कम्स ज्योति लैब, ध्यान से देखिए, डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, कोई फ्रेश बाई नहीं है, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ शेयर गिर रहा है लगातार। कजारिया सिरेमिक्स बेहद शानदार चार्ट पैटर्न था, निचले स्तरों से अच्छा खासा रनअप देने के बाद शेयर के अंदर आ रहा है कंसोलिडेशन गिरावट, और अब देखते हैं शेयर कहां तक जा सकता है। ये है इसका फिबोनाची सपोर्ट लेवल, 61.8 लेवल है जिसका 445, शेयर करंटली इन्हीं लेवल्स के आसपास में है, ज़्यादा संभावना है कि इन लेवल्स के पास में शेयर थोड़ा सा रुक जाए, अगर स्टेबल हो जाए और ऊपर की तरफ चलना शुरू करे तो ही फ्रेश बाई कीजिए, तब तक कजारिया सिरेमिक को करिए इनकार। ओके फ्रेंड्स, आप में से वो लोग जिन्हें नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम कर रहे हैं 1000 शेयर्स 3 आवर्स चार्ट एनालिसिस, कॉन्टीन्यूअसली शेयर्स की एनालिसिस कर रहे हैं हम 3 घंटे के लिए, और देखते हैं कि आप 3 घंटे में 1000 शेयरों की टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो सकती है या नहीं। ओके, कजारी सिरेमिक्स के बाद आया कल्पतरु पावर, ऊपरी स्तरों से रेसिस्टेंस मिला और शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे वीकनेस आई है शेयर के अंदर, एक राउंडिंग टॉप पैटर्न जैसी स्थिति बन रही है और शेयर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, कोई फ्रेश बाई नहीं करनी है, फ्रेश बाई करने से पूरी तरह से बचना है। 445 का लेवल है शेयर के सपोर्ट के लिए। कंसाई नैरोलैक शेयर के अंदर अगेन वीकनेस है, 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज दोनों के ही नीचे है, कोई फ्रेश बाई नहीं है, अवॉइड करना है पूरी तरह से। करूर वैश्य बैंक पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, कोई फ्रेश बाई नहीं है, मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे है, लगातार नीचे गिर रहा है शेयर। KEC इंटरनेशनल बेहतरीन शेयर का चार्ट पैटर्न है, कंडीशनल बाई होगा पूरी तरह से, कंडीशनल बाई में शेयर एक बार निकलता है जब 317 के लेवल, वजह क्या है, 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आकर सपोर्ट लिया था और दोबारा शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज के पास में आकर सपोर्ट ले रहा है, थोड़ी सी वीकनेस है शेयर के अंदर, अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है और शेयर निकलता है 317 जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसके पार, तो ही करना है फ्रेश बाई शेयर के अंदर 353 के टारगेट्स के लिए। देन कम्स KEI, करंट लेवल्स हैं जिनके पास में शेयर ले रहा है सपोर्ट 432, करंट लेवल पर बिल्कुल बाई नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए लेवल्स का, लेवल्स होंगे शेयर के पास में 471, अगर 471 के पार निकलता है शेयर उसके बाद ही करना है फ्रेश बाई, टारगेट्स होंगे 526 के। KIOCL मेजर डाउन ट्रेंड है शेयर, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, कोई फ्रेश बाई नहीं है। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग सेम हालत है KIOCL की तरह, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए इसे। KNR Constructions बेहद शानदार चार्ट पैटर्न, हायर हाई हायर लो बना रहा है, करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं शेयर को, करंट लेवल हैं शेयर के 268 के, टारगेट्स होंगे 292 के, हायर हाई हायर लो बना रहा है, बेसिकली इस तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं शेयर में बाय करने के लिए। कोल्टे पाटिल ब्रेकडाउन आया है फ्रेश शेयर के अंदर, वीकनेस है, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। कोटेक बैंक नतीजे बेहद ख़राब आए थे उसके बावजूद शेयर कंसोलिडेट हो रहा है एक पर्टिकुलर जोन के अंदर, इस जोन में फ्रेश बाय नहीं करना है शेयर के अंदर, जब तक सपोर्ट ना ले ले 1462 का तब तक, या फिर शेयर ना निकल जाए 1541 के पार तब तक कोई फ्रेश बाई नहीं करना है। ओके, सो कोटेक बैंक के बाद अगला लेते हैं KPR मिल, सेम कंडीशन है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न देने के बाद शेयर निकल रहा था 200 डेज मूविंग एवरेज के पार, बट थोड़ी सी वीकनेस आ गई है शेयर में और 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज दोनों के नीचे है शेयर, तो शेयर के अंदर है कमजोरी, और कमजोरी है तो फिर शेयर के अंदर कोई बाई नहीं बनता है, अवॉइड करना है पूरी तरह से। KRBL प्योर अवॉइड है, मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है KRBL। KSCL कावेरी सीड्स पूरी तरह से डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाई नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड करना है। कर्नाटका बैंक प्योर अवॉइड है, करंटली एक सपोर्ट लेवल था 93 का, उससे ब्रेकडाउन दिया है शेयर ने, प्योर अवॉइड है।
एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्योर ब्रेक डाउन है शेयर के अंदर, कोई फ्रेश बाई नहीं है, अवॉइड करना है पूरी तरह से। लक्ष्मी विलास बैंक सेम कंडीशन, डाउन ट्रेंड के अंदर है, शेयर अवॉइड करना है। लाल पाथ लैब्स बेहद शानदार चार्ट पैटर्न है, हर बार शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट लेता है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, टारगेट्स होंगे 1265 के। लॉरस लैब्स डाउन ट्रेंड के अंदर है, प्योर अवॉइड करना है इसे, कोई फ्रेश बाय नहीं है इसके अंदर। ल्यूमैक्स फ्रेश ब्रेक डाउन पूरी तरह से कीजिए अवॉइड, शेयर के अंदर कोई फ्रेश बाय नहीं है। लेमन ट्री होटल चेन ब्रेक डाउन, कोई फ्रेश बाय नहीं है, डाउन ट्रेंड में है और लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस चार्ट पैटर्न थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, बट आज दिन के अंदर शेयर के अंदर जो वीकनेस आई है, इस वीकनेस की वजह से शेयर में कंडीशनल बाई होगी। कंडीशनल बाई क्या होगी, अगर शेयर निकलता है 534 के पार तो ही करना है फ्रेश बाई, वरना शेयर को अवॉइड करना है। करंटली थोड़ी सी शेयर के अंदर वीकनेस है और ये वीकनेस चलेगी तब तक जब तक शेयर 534 के पार में है, इसके पार निकलता है तब करना है फ्रेश बाय। ओके, देन कम्स लिंडे इंडिया, कंसोलिडेशन जोन में है शेयर और कंसोलिडेशन जोन जो शेयर का चलेगा उसका ऊपरी स्तर है 527 का, 527 के पार निकले तब कीजिए फ्रेश बाय। अभी शेयर है एक डाउन ट्रेंड के अंदर, सो इसे कीजिए अवॉइड, एक कंसोलिडेशन जोन जैसा है जिसके बीच में शेयर फंसा हुआ है। एलएनटी लार्सन एंड ट्यूब्रो मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर आ रखा है शेयर, 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, ये अपना गैप फिल करने के लिए आ रहा था नीचे, कोई फ्रेश बाय नहीं है, अवॉइड करना है पूरी तरह से। LTI मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, शेयर के अंदर ब्रेक डाउन आया है बिल्कुल अभी अभी फ्रेश, तो कोई खरीदारी करने से बिल्कुल बचिए। LTTS सेम यही कंडीशन है, ब्रेक डाउन आया है वो भी गैप के साथ में, प्राइस और वॉल्यूम दोनों ही ब्रेक डाउन है, अवॉइड करना है पूरी तरह से। ल्यूपिन कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, मेजर कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, जब तक शेयर पार नहीं निकलता है एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल 837 के पार तब तक कोई फ्रेश बाय नहीं है। लक्स इंडस्ट्रीज डाउन ट्रेंड के अंदर पूरी तरह से कीजिए अवॉइड। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा ब्रेक डाउन फ्रेश, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सेम कंडीशन है, ब्रेक डाउन अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। मैग्मा फ्रेश ब्रेक डाउन पूरी तरह से अवॉइड, कोई बाय नहीं है। महाराष्ट्र बैंक सेम वही था, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, अप ट्रेंड की कोशिश कर रहा था बट फ्रेश ब्रेक डाउन आ गया है, शेयर के अंदर वीकनेस है पूरी तरह से, कोई फ्रेश बाय नहीं, अवॉइड कीजिए। महिंद्रा CII कोई फ्रेश बाय नहीं है, देखिए एक सपोर्ट लेवल है शेयर का जिसे कि शेयर ने ब्रेक डाउन दिया है बहुत ही बुरी तरीके से, कोई फ्रेश बाय नहीं, अवॉइड करना है एकदम। महिंद्रा लॉजिस्टिक, महिंद्रा की सारी कंपनियों का हालत यही है करंटली, फ्रेश ब्रेक डाउन पूरी तरह से कीजिए अवॉइड, कोई फ्रेश बाय नहीं है। महिंद्रा लॉजिस्टिक के बाद महाराष्ट्र स्कूटर बेहतरीन शेयर, ऊपरी स्तरों पर असिस्टेंस लेने के बाद गिर रहा है और 200 डेज मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है, जब तक शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है कोई फ्रेश बाय नहीं करना है, शेयर के अंदर आ रखी है वीकनेस इसलिए फ्रेश बाय करने से बचिए। महिंद्रा सीमलेस कोई फ्रेश बाय नहीं है, राउंडिंग टॉप पैटर्न देकर ऊपरी स्तरों पर असिस्टेंस लेकर शेयर के अंदर वीकनेस आ रही है धीरे धीरे और शेयर निचले स्तरों पर आ रहा है। मन्नापुरम ऊपरी स्तरों से शेयर गिर रहा है, ये फिबोनाची सपोर्ट लेवल है, वेट कीजिए जब तक शेयर नहीं आता है 98 के लेवल्स तक, करेंटली शेयर मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे है, डाउन ट्रेंड के अंदर है इसलिए अवॉइड करना है। मैरिको FMCG सेक्टर का शेयर सपोर्ट ले रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में, हायर हाई हायर लो बनाते हुए लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक बार शेयर निकलता है 370 के लेवल के पार तब करना है फ्रेश बाय, 370 के पार बाय करते हैं तो टारगेट्स होंगे 390 के। मारुति मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी है तो पूरी तरह से अवॉइड करना है। MAS फाइनेंस करंट लेवल्स पर सपोर्ट ले रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में, करंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न बेहद शानदार है, लेवल्स होंगे 621 के बाय करने के लिए। मैक्स इंडिया मेजर डाउन ट्रेंड है शेयर के अंदर, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। मैकडावल या यूनाइटेड स्पिरिट्स बेहद शानदार चार्ट पैटर्न, 596 के पार निकलता है शेयर, बिल्कुल बाय कर सकते हैं, टारगेट्स होंगे 655 के लिए। MFSL डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। MGL महानगर गैस लिमिटेड 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है, अवॉइड करना है पूरी तरह से। MHRIL कंसोलिडेशन जोन में है निचले स्तरों पर आने के बाद, और कंसोलिडेशन जोन एक बेहतरीन कंसोलिडेशन है शेयर के अंदर, ऊपरी स्तर है 224 के, करंटली शेयर है 226 पर, कंडीशनल बाय होगी जब तक निकलता नहीं है 224 के पार, तब तक कोई फ्रेश बाय मत कीजिए, 224 के पार निकले फ्रेश बाय कीजिएगा।
मिंडा कॉरपोरेशन डाउन ट्रेंड में है, पूरी तरह से कीजिए अवॉइड। मिंडा इंडस्ट्रीज सेम कंडीशन है मिंडा कॉरपोरेशन की जैसी, डाउन ट्रेंड में है, अवॉइड कीजिए। माइंड ट्री हालत बहुत ख़राब है, ऊपरी स्तरों से गिरा है शेयर, गिरने के बाद निचले स्तरों से थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है और शेयर की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि शेयर के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। करंट लेवल्स हैं 716 के, बिल्कुल बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पर, टारगेट्स होंगे 760 के लिए, करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय किया जा सकता है। MMTC मेजर डाउन ट्रेंड, पूरी तरह से कीजिए अवॉइड। MOIL प्योर अवॉइड करना है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। मदरसन सुमी सेम कंडीशन है MOIL की तरह, डाउन ट्रेंड में है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, अवॉइड कीजिए। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज सेम डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, सपोर्ट लेवल था शेयर का जिसे शेयर ने तोड़ दिया है और अभी भी डाउन ट्रेंड में है, 569 का अवॉइड कीजिए। एम्फेसिस ध्यान से देखिए क्या है चार्ट, डाउन ट्रेंड के अंदर है, बेहद धीरे धीरे गिर रहा है, इसे कहते हैं कि ग्रेडियंट स्लो होना, ग्रेडियंट स्लो है बट फिर भी शेयर गिर रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं है। MRF ऑटो सेक्टर टायर सेक्टर का शेयर है, अवॉइड करना है पूरी तरह से, डाउन ट्रेंड के अंदर है। MRPL डाउन ट्रेंड में है, वो भी मेजर प्योर अवॉइड करना है, कोई फ्रेश बाय नहीं है। मुथूट फाइनेंस ऊपरी स्तरों से रेसिस्टेंस ले रहा है, ये दिख रहा है आपको, राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न को ध्यान से देखिए, राउंडिंग टॉप पैटर्न जैसा फॉर्म हो रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, प्योर अवॉइड करना है शेयर को। वेट कीजिए शेयर के सपोर्ट तक आने का, सपोर्ट लेवल है तकरीबन 570 का। नैटको फार्मा ध्यान से देखिए, डाउन ट्रेंड के अंदर है, प्योर अवॉइड कीजिए। नालको या नेशनल एल्यूमिनियम डाउन ट्रेंड में है, फ्रेश बाय प्योर अवॉइड कीजिए। naukri.com या इन्फो एज हायर हाई हायर लोज बना रहा है, करंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, लेवल है 2244 का, प्योर टेक्निकल कॉल है, इन लेवल्स पर बाय करते हैं तो टारगेट्स होंगे आपके पास 2443 के। इसके बाद आता है नवीन फ्लोरो, डाउन ट्रेंड के अंदर आ रखा है शेयर, 200 एज मूविंग एवरेज के नीचे, निचले स्तरों से थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है बट ज़्यादा लंबे समय तक रैली सस्टेन नहीं होगी, अवॉइड करना है, कोई फ्रेश बाय नहीं। NBCC के अंदर फ्रेश ब्रेकडाउन आ रखा है, प्योर अवॉइड करना है शेयर। निचले लेवल पर शेयर के पास में जो एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था वो था तकरीबन 49.70 का, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से इसे। NB वेंचर्स डाउन ट्रेंड के अंदर है, प्योर अवॉइड, कोई कॉल नहीं है। NCC डाउन ट्रेंड के अंदर आ रखा है शेयर, फ्रेश बाय बिल्कुल अवॉइड करना है। नेस्को बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, ऊपरी स्तरों पर जाने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट लिया है शेयर ने और 50 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर शेयर दोबारा से ऊपर चलने के लिए तैयार है, करंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं। करंट लेवल पर बाय करते हैं तो जो टारगेट्स आपके पास में होंगे वो होंगे 572 के। नेटवर्क 18 बेहद शानदार गिरावट है शेयर में, पूरी तरह से करना है अवॉइड। NFL ऊपरी स्तरों से गिर रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, प्योर अवॉइड कीजिए, कोई फ्रेश बाय नहीं है। NH ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न देकर शेयर ने 200 डेज मूविंग एवरेज को पार करने की कोशिश की, करंट लेवल पर कोई फ्रेश बाय नहीं है, कंडीशनल बाय होगी बिल्कुल, अगर शेयर निकलता है 230 के पार तब कीजिएगा फ्रेश बाय और टारगेट्स होंगे 250 के। फ्रेंड्स हम कर रहे हैं 1000 शेयर्स 3 आवर्स के अंदर चार्ट एनालिसिस करने का चैलेंज, ये चैलेंज हमारी टीम की तरफ से ही हमें मिला है। देखते हैं कि क्या 3 घंटे के अंदर, बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेकर, एक एक दो दो मिनट के ब्रेक्स लेकर, क्या 1000 शेयर 3 घंटे के अंदर चार्ट पर एनालाइज किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमने 500 शेयरों की एक लिस्ट निकाली है जो कि निफ्टी 500 की है, सबसे पहले उसे कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि आगे कहां तक पहुंचते हैं। बेसिकली इस सेशन का मकसद, फ्रेंड्स 1.5 घंटे होने वाले हैं, इस सेशन का मकसद है कि टेक्निकल एनालिसिस एक बार में आपको समझाना जो उसकी निटिग्रिटीज़ हैं। होता क्या है कि इस तरह के वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिलेगा कि चार्ट देखते ही आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के चार्ट्स होते हैं जिन्हें बाय करना चाहिए और कैसे चार्ट्स होते हैं जिन्हें आपको करना चाहिए अवॉइड। बेसिकली इस सेशन का मकसद ये था और साथ ही साथ एक बार ये भी देखना कि कितने लंबे समय तक कंसंट्रेशन सस्टेन रह सकता है चार्ट देखते हुए। इस सेशन में सबसे ज़्यादा थकान लग रही है बोलने में, चार्ट को देखकर बताने में, उसे एनालाइज करने में, वरना एनालिसिस अगर सिर्फ मन में करनी हो तो कठिन नहीं है बट उसे एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी थकान हो रही है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। सेशन अभी भी चल रहा है ना? हाँ सेशन अभी भी चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और काइंडली कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताते रहिए कि इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है और इस तरह के चैलेंजेस भविष्य में और रखने चाहिए हमें या नहीं रखने चाहिए। ओके,
या आपके पास में अगर किसी तरह की कोई चैलेंज है वो भी एनालिसिस को लेकर, शेयर्स की टेक्निकल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर अगर आपके पास में किसी तरह के चैलेंजेस हैं, सो काइंडली वो चैलेंज भी दीजिए, अच्छे लगेंगे चैलेंज तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोबारा से। नेस्को हो गया था, नेस्को के बाद है, नहीं एनएच हो गया था, ओके एनएच हो गया है, हाँ एनएच के बाद है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, प्योर अवॉइड है, कुछ नहीं करना है। एनआईएएल ब्रेक डाउन क्लियर है, अवॉइड है। एनआईआईटी टेक फ्रेश ब्रेक डाउन आया है शेयर के अंदर, बाइंग करने से बिल्कुल बचना चाहिए, और सपोर्ट लेवल होंगे शेयर के 118 के, तब तक के लिए वेट कीजिए। नील कमल फ्रेश ब्रेक डाउन क्लियर दिख रहा है, कोई बाय नहीं है। एनएलसी इंडिया फ्रेश ब्रेक डाउन, कोई बाय नहीं है। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक बढ़िया शेयर है, करंटली सपोर्ट ले रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज पर, करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, 108 के लेवल हैं, और टारगेट्स जो आपके पास में इमीडिएटली होंगे वो होंगे 116 के टारगेट्स, ओके। देन कम्स एनटीपीसी, फ्रेश ब्रेक डाउन आया है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है शेयर, प्योर अवॉइड है। ओबेरॉय रियलिटी, चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है शेयर का, बट एक सिर्फ इशू है वो ये कि शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ रखा है, सो कंडीशनल बाय होगी। अगर शेयर निकलता है 560 के लेवल के पार तो ही फ्रेश बाय करना है, 599 या 600 के टारगेट्स के लिए, वरना बाय नहीं करना है करंट लेवल पर। 560 के पार निकलेगा तब फ्रेश बाय करेंगे 600 के टारगेट्स के लिए। OFSS निचले लेवलों पर, माफ़ कीजिएगा, निचले लेवल्स पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखा रहा है, करंट लेवल पर फ्रेश बाय बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जब तक शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के पार ना निकले, तो अवॉइड कीजिए इसे। ऑयल इंडिया OIL प्योर अवॉइड है, शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है। OMAX राउंडिंग टॉप पैटर्न देकर शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, क्लियर डाउन ट्रेंड दिख रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं है। ONGC फ्रेश ब्रेक डाउन आ रखा है, पूरी तरह से अवॉइड करना है, कुछ नहीं करना है शेयर के अंदर, कोई फ्रेश बाय नहीं है, कोई एवरेजिंग नहीं है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स फ्रेश ब्रेक डाउन दिख रहा है, ये पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। ओरिएंट केमिकल्स वेट कीजिए शेयर के 61.8% रिट्रेसमेंट का, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, चलिए इसे आपको सिखा देते हैं, ठीक है। निचले स्तरों से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लीजिए, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 50% और 61.8। करंटली शेयर 50% पर रुका हुआ है, 61.8 तक आकर रुकता है और वहाँ से अप ट्रेंड ले तब फ्रेश बाय करना है, करंट लेवल पर फ्रेश बाय नहीं करना है। वजह क्या है शेयर के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में एक वीकनेस आ रखी है जिसकी वजह से शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो फ्रेश बाय नहीं करना है बिल्कुल। ओरिएंट इलेक्ट्रिक सेम वही, ऊपरी स्तरों पर एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है, शेयर रेसिस्टेंस ले रहा है और धीरे धीरे नीचे की तरफ चलने को तैयार है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। पेज इंडस्ट्रीज पूरी तरह से शेयर गिरावट के अंदर है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, अवॉइड करना है पूरी तरह से। पराग मिल्क्स बहुत गंदी तरीके से गिरा है शेयर, ब्रेक डाउन हुआ है शेयर के अंदर, कोई फ्रेश बाय नहीं है। पीसी ज्वेलर्स पूरी तरह से अवॉइड कीजिए इसे। पिरामल इंटरप्राइजेस फ्रेश ब्रेक डाउन और शेयर है लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ लगातार नीचे जा रहा है, बिल्कुल अवॉइड करना है। परसिस्टेंस सिस्टम फ्रेश ब्रेक डाउन दिख रहा है शेयर के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई बाय नहीं है। पेट्रोनेट LNG ये चार्ट पैटर्न है थोड़ा सा अच्छा, कंडीशनल बाय होगा, वजह क्या है, 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट ले रहा है, एक बार शेयर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपरी स्तरों पर जाए और 240 के लेवल्स के पार निकलता है तब करना है फ्रेश बाय। PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन डाउन ट्रेंड आया है, 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट ले रहा है, अवॉइड कीजिएगा शेयर को पूरी तरह से। फाइजर 200 डेज मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक डाउन आया है शेयर के अंदर, वो भी वॉल्यूम के साथ, प्राइस भी है प्लस वॉल्यूम भी है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। PGHH कंसोलिडेशन जोन के बीच में है शेयर, जिसमें कि 11,000 से लेकर 10,535 के बीच में कंसोलिडेशन जोन है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है जब तक शेयर नहीं निकलता है जोन के पार, करंट लेवल में कोई बाय नहीं है। PGHL ऊपरी स्तरों पर है, एक रेसिस्टेंस जोन के पास में है, जब निकलता है 4912 के पार तब करना है फ्रेश बाय, करंटली एक रेसिस्टेंस जोन के पास में, इसलिए करंट लेवल पर फ्रेश बाय अवॉइड करना है। फिलिप्स कार्बन देखें ध्यान से, डाउन ट्रेंड के अंदर आ रखा है शेयर, कोई फ्रेश बाय नहीं है, पूरी तरह से कीजिए अवॉइड। फोनेक्स लिमिटेड बहुत ही शानदार शेयर के लेवल्स हैं, करंट लेवल पर बिल्कुल फ्रेश बाय कर सकते हैं, क्यों, शेयर के अंदर ट्रेंड देखिए ज़रा, अप ट्रेंड का रखा है, ठीक है, सो करंट लेवल पर बिल्कुल फ्रेश बाय कर सकते हैं, लेवल्स हैं 643 के, टारगेट्स होंगे 690 के। देन कम स्पीडी लाइट, करंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ शेयर ऊपरी स्तरों पर जा रहा है, लेवल्स हैं 1240 के, टारगेट्स होंगे 1300 के लिए, बाय कर सकते हैं। PI इंडस्ट्रीज ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस मिल रहा है शेयर को और शेयर आ रहा है धीरे धीरे नीचे,
50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, फ्रेश बाई करने से बिल्कुल बचिए। पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, डाउन ट्रेंड के अंदर है। पीएनबी हाउसिंग सेम कंडीशन, डाउन ट्रेंड में अवॉइड कीजिए। पीएनसी इंफ्रा फ्रेश ब्रेकडाउन आया है और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से, 3 दिनों के अंदर शेयर बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है, कोई बाइंग नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड बेहद शानदार चार्ट पैटर्न, करंट लेवल पर कर सकते हैं बाय, 210 के लेवल हैं, टारगेट होंगे 220 के। देन कम्स प्राज इंडस्ट्रीज, और देखते हैं प्राज इंडस्ट्रीज फ्रेश ब्रेकडाउन है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। प्रेस्टीज स्टेट, प्रेस्टीज है बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, बट करंटली थोड़ी सी शेयर के अंदर वीकनेस है। अगर ये वीकनेस थोड़ी सी सुधरती है और शेयर 272 के पार निकलता है तब फ्रेश बाय करेंगे, अगर शेयर इसके नीचे ही रह रहा है तो फ्रेश बाय बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रिज्म जॉनसन सीमेंट बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, सेम कंडीशनल बाय होगी प्रिज्म जॉनसन के अंदर भी, शेयर एक बार निकलता है 94 के पार तब करना है फ्रेश बाय, टारगेट्स होंगे शेयर के लिए 100 के। पीटीसी डाउन ट्रेंड के अंदर पूरी तरह से करना है अवॉइड। पीवीआर फ्रेश ब्रेकडाउन आ रखा है शेयर में, कोई बाइंग नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए इसे। क्वेस्ट डाउन ट्रेंड के अंदर कोई फ्रेश बाय नहीं है। रेडिको खेतान डाउन ट्रेंड में आ रखा है शेयर, हालांकि निचले स्तरों पर संभलने की कोशिश कर रहा है बट कोई फ्रेश बाय नहीं है। रेन इंडस्ट्रीज डाउन ट्रेंड में है, कोई फ्रेश बाय नहीं है। राजेश एक्सपोर्ट बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, 200 डेज मूविंग एवरेज के बाद 50 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है, करंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लेवल्स हैं करंटली 690 के, टारगेट्स होंगे 758 के। रैलिस इंडिया बेहतरीन चार्ट पैटर्न है शेयर का, निचले स्तरों से राउंडिंग बॉटम पैटर्न ले रहा है और शेयर अप ट्रेंड में चलने की तैयारी कर रहा है, कंडीशनल बाय होगा। एक बार शेयर अगर निकलता है 200 डेज मूविंग एवरेज के पार, जो कि है 164 के लेवल्स के पार निकलता है, तब करना चाहिए फ्रेश बाय और टारगेट्स होंगे आपके पास में 182 के। रैमको सीमेंट ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस के बाद राउंडिंग टॉप पैटर्न दिखा रहा है और जिस तरीके से गिरने को तैयार है, इससे ये लगता है कि शेयर 721 के लेवल्स के पास में आएगा। 721 तक का वेट कीजिए, तब तक कोई फ्रेश खरीदारी नहीं। रेमंड्स फ्रेश ब्रेकआउट, माफ़ कीजिएगा फ्रेश ब्रेकडाउन, कोई खरीदारी नहीं, अवॉइड कीजिए। आरबीएल बैंक सेम कंडीशन है, ब्रेकडाउन वो भी बहुत ही बुरी तरीके से, प्योर अवॉइड कीजिए। आरकॉम प्योर अवॉइड करना है, कोई खरीदारी नहीं है। आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइज़र, हाँ फ्रेश ब्रेकडाउन आया है शेयर के अंदर और ब्रेकडाउन किन लेवल्स के नीचे आया है, लेवल्स हैं तकरीबन 51 के, इनके नीचे कोई खरीदारी नहीं करनी है। REC रूरल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ब्रेकडाउन आ रखा है शेयर के अंदर, कंडीशनल बाय है, करंटली शेयर में कोई बाय नहीं करना है, 200 डेज मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेना है। अगर शेयर निकलता है यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद 153 के लेवल के पार, तब करना है फ्रेश बाय। 153 के पार फ्रेश बाय करना है तो टारगेट्स कौन से होंगे आपके पास, 170 के। देन कम्स रेडिंगटन, करंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है रेडिंगटन का, करंट लेवल पर कीजिए बाय रेडिंगटन को और टारगेट्स होंगे आपके पास में 114 के। देन कम्स रिलैक्सो, बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, करंट लेवल पर थोड़ा सा अवॉइड करना है और कंडीशनल बाय है, निकलने दीजिए 426 के पार कीजिए फ्रेश बाय, 426 के पार टारगेट्स होंगे 468 के। रिलायंस कैपिटल प्योर अवॉइड है, ADAG ग्रुप का शेयर है, रिलायंस करंटली डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। रिलायंस इंफ्रा सेम कंडीशन, ADAG ग्रुप के शेयरों की अवॉइड करना है इसे। रेणुका शुगर डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। रेपको होम फाइनेंस सेम कंडीशन है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, प्योर अवॉइड कीजिए। RHFL प्योर डाउन ट्रेंड के अंदर है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, कोई फ्रेश बाय नहीं है। राइट्स बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, अप ट्रेंड के अंदर है, हायर हाई हायर लोज बना रहा है, करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं, टारगेट्स होंगे 319 के। राइट्स ओके, सो राइट्स का चार्ट पैटर्न अच्छा है बाकी सबसे कंपैरेटिवली। आरके फोर्जिंग बेहद ख़राब पैटर्न है, डाउन ट्रेंड है, प्योर अवॉइड करना है शेयर को। आर नाम बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, प्योर टेक्निकल कॉल है, करंट लेवल पर 227 पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं और टारगेट्स होंगे शेयर के 242 के। ओके देन कम्स आर पावर, ADAG ग्रुप का हालत ख़राब है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। रूपा डाउन ट्रेंड के अंदर है, फ्रेश ब्रेकडाउन आ रखा है, कोई बाय नहीं करना है। सद्भाव सेम कंडीशन है, फ्रेश ब्रेकडाउन है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डाउन ट्रेंड है मेजर, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, अवॉइड करना है, कोई बाय नहीं है। सनोफी इंडिया बेहतरीन चार्ट पैटर्न, करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं सनोफी को, टारगेट्स होंगे 6532 के। देन कम्स SBI लाइफ, बेहतरीन चार्ट पैटर्न है शेयर का,
शेयर है 200 डेज मूविंग एवरेज के पार, 50 डेज मूविंग एवरेज के पार, हायर हाईज बनाते हुए अनचार्टेड टेरिटरी में करंट लेवल्स पर शेयर में बिल्कुल बाय कर सकते हैं एसबीआई लाइफ के अंदर। एसबीआई इंडस ओके एसबीआई बैंक फ्रेश ब्रेकडाउन आ रखा है शेयर के अंदर, कोई फ्रेश बाई नहीं है, डाउन ट्रेंड आ रखा है शेयर में और 200 डेज मूविंग एवरेज तक शेयर सपोर्ट लेने के लिए जाएगा, तब तक के लिए अवॉइड करना है 315 तक के लिए। देन शेफलर प्योर अवॉइड है शेयर के अंदर, ब्रेकडाउन आ रखा है पूरी तरह से। एससीआई लोअर लो लोअर हाई प्योर अवॉइड है। एसएफएल डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाई नहीं करना है। शंकरा बिल्डकॉन पूरी तरह से डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाई नहीं है, डेढ़ घंटे हो गए हैं। शारदा क्रॉप केमिकल्स प्योर ब्रेकडाउन है, कोई फ्रेश बाई नहीं है, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। शिल्पा मेडिकल्स डाउन ट्रेंड के अंदर है, कंसोलिडेट हो रहा है शेयर, पर चूंकि डाउन ट्रेंड के अंदर है इसलिए कोई फ्रेश बाई नहीं है। एसएचके मेजर डाउन ट्रेंड है, पूरी तरह से अवॉइड करना है। शॉपर्स स्टॉप सेम कंडीशन, डाउन ट्रेंड अवॉइड। श्री सीमेंट ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस दिख रहा है, ये क्लियर रेसिस्टेंस है और शेयर धीरे धीरे थक रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, कोई फ्रेश बाई नहीं है। श्रीराम पूरी तरह से अवॉइड करना है शेयर को, मेजर डाउन ट्रेंड में है। सीमेंस अच्छे खासे रनअप के बाद शेयर सपोर्ट ले रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज का, करंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं शेयर को, करंट लेवल पर बाय कीजिए 1235 के टारगेट्स के लिए। एसआईएस प्योर अवॉइड करना है शेयर को, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। एसजीवीएन डाउन ट्रेंड में प्योर अवॉइड करना है। एसकेएफ इंडिया डाउन ट्रेंड के अंदर आ रखा है शेयर, प्योर अवॉइड है। शोभा बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, हायर हाई हायर लो बना रहा है लगातार शेयर, सपोर्ट ले रहा है 50 डेज मूविंग एवरेज पर, करंट लेवल पर 547 पर बाई कर सकते हैं, जो टारगेट्स होंगे इमीडिएटली वो होंगे 576 के। देन कम सोलार इंडस्ट्रीज, सपोर्ट ले रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में, करंट लेवल्स पर बाई करने से बिल्कुल बचिए, कंडीशनल बाई होगा अगर शेयर निकलता है 1174 के पार, उसके बाद ही फ्रेश बाई करना है, करंट लेवल पर बिल्कुल भी नहीं। सोनाटा सॉफ्टवेयर फ्रेश ब्रेकडाउन आ रखा है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है शेयर, कोई बाई नहीं करना है। साउथ इंडियन बैंक प्योर अवॉइड है शेयर, डाउन ट्रेंड के अंदर है वो भी मेजर, करंटली कंसोलिडेट हो रहा है बट प्योर अवॉइड करना है चूंकि डाउन ट्रेंड के अंदर है। सन फार्मा एडवांस रिसर्च अवॉइड करना है पूरी तरह से शेयर, हालांकि निचले स्तरों पर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है बट करंट लेवल्स पर चूंकि शेयर डाउन ट्रेंड में है इसलिए कोई बाय नहीं बनता है। एसपीटीएल मेजर डाउन ट्रेंड में है, पूरी तरह से कीजिए अवॉइड। श्रेय इंफ्रा सेम कंडीशन, डाउन ट्रेंड अवॉइड। SRF बेहद शानदार चार्ट पैटर्न बट ऊपरी स्तरों से वीकनेस आ रखी है और शेयर सपोर्ट ले रहा है करीब करीब 2653 के पास में, अवॉइड कीजिए करंट लेवल्स पर फ्रेश बाय करने के लिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है शेयर ने और वो भी डाउन ट्रेंड के अंदर, कोई फ्रेश बाय नहीं है। स्टार सीमेंट बेहतरीन डाउन ट्रेंड है, पूरी तरह से अवॉइड करना है, स्टार था वो और यह है स्टार सीमेंट, दोनों के अंदर कंडीशन सेम है, फ्रेश ब्रेकडाउन है, अवॉइड करना है पूरी तरह से। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज मेजर ब्रेकडाउन है, कोई बाइंग नहीं है। सुदर्शन केमिकल डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, कोई फ्रेश बाई नहीं है। सनक्लैड लिमिटेड मेजर डाउन ट्रेंड है, किसी तरह की कोई फ्रेश बाई नहीं है, दिख रहा है आपको लोअर लो लोअर हाईज बना रहा है। सुंदरम फाइनेंस थोड़ा सा शेयर राउंडिंग बॉटम देने की कोशिश कर रहा है, ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद सपोर्ट लेकर अब धीरे धीरे ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, पैटर्न काफ़ी अच्छा है बट देखते हैं कि क्या बाई है या नहीं और शेयर की होगी कंडीशनल बाई, ठीक है। सो करंट लेवल पर शेयर को बाय नहीं करना है, एक बार शेयर निकल जाए, एक इम्पॉर्टेंट नेक लाइन है बेसिकली इसकी 1573 की, इस लेवल के पार निकले तब करना चाहिए फ्रेश बाय। देन कम सुंदरम फास्टनर, डाउन ट्रेंड में आ रखा है शेयर, पूरी तरह से कीजिए अवॉइड। सन फार्मा प्योर डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए इसे। सनटेक रियलिटी पूरी तरह से अवॉइड करना है, कोई फ्रेश बाई नहीं है, क्यों, फ्रेश एक शेयर के अंदर बिकवाली आई है, एक मेजर सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट जोन को शेयर ने ब्रेक किया है। ओके सो ये था सनटेक तक, अब देखते हैं आगे कितने शेयर्स बचे हमारे पास में हैं, थोड़े बहुत हैं, चलिए जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, अभी ख़त्म करते हैं। सन टीवी मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, उसकी वजह है कि चार्ट याद हो गया हमें। सुप्राजीत मेजर डाउन ट्रेंड में, प्योर अवॉइड करना है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा है, सो क्लियर ट्रेंड नहीं है इसलिए अवॉइड करना है। सुवेन लाइफ साइंसेस फ्रेश ब्रेकडाउन आया है शेयर में, फ्रेश बाय करने से बिल्कुल बचना चाहिए। सुजलॉन बहुत ख़राब कंपनी है, लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर है कंपनी, प्योर अवॉइड करना है।
स्वान एनर्जी डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन जोन है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है शेयर, तो प्योर अवॉइड है, कोई फ्रेश बाय नहीं है। सिम्फनी बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, निचले स्तरों से थोड़ा सा करेक्शन लिया, करेक्शन के बाद शेयर कंसोलिडेट कर रहा है एक जगह पर। अगर इस कंसोलिडेशन जोन के पार शेयर निकल जाता है जो कि है 1283 के पार, तब शेयर में करनी चाहिए फ्रेश खरीदारी, बेहतरीन चार्ट पैटर्न होगा उस समय, और शेयर के पास में जो टारगेट्स होंगे वो होंगे 1400 के। देन कम सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक में करंट लेवल पर कोई फ्रेश बाय नहीं है, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। सिंजीन फ्रेश ब्रेकडाउन देने की तैयारी कर रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, अवॉइड कीजिए। टेक सॉल्यूशंस पूरी तरह से डाउन ट्रेंड के अंदर है, फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, कोई खरीदारी नहीं है। टाटा केमिकल्स फ्रेश ब्रेकडाउन आ रखा है, कोई खरीदारी नहीं है किसी भी तरह की। टाटा कॉफ़ी लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है, ब्रेकडाउन आ रखा है, कोई खरीदारी नहीं है। टाटा ELXI सेम भाई, फ्रेश ब्रेकडाउन, मेजर ब्रेकडाउन, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। टाटा ग्लोबल ये चार्ट पैटर्न है अच्छा, इतनी देर के बाद एक अच्छा चार्ट पैटर्न मिला है। करंटली शेयर सपोर्ट ले रहा है 50 डेज मूविंग एवरेज के पास में, बेहद अच्छा पैटर्न है शेयर का। करंट लेवल पर 245 पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, टारगेट्स होंगे 273 के लिए, तो करंट लेवल पर बाय कीजिए 273 के लिए। देन कम्स टाटा इन्वेस्टमेंट, फ्रेश ब्रेकडाउन आया है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। देन कम्स टाटा मोटर्स, डाउन ट्रेंड के अंदर है शेयर, वो भी मेजर डाउन ट्रेंड है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, ध्यान रखिएगा इसमें। टाटा मोटर्स DVR सेम कंडीशन है टाटा मोटर की, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। टाटा पावर कोई फ्रेश बाय नहीं है, मेजर डाउन ट्रेंड है, लोअर लो लोअर हाई। टाटा स्टील सेम कंडीशन, डाउन ट्रेंड के अंदर, कोई फ्रेश बाय नहीं है। TCN ब्रांड्स ऊपरी स्तरों पर शेयर को मिल रहा है एक रेसिस्टेंस, शेयर बना रहा है राउंडिंग टॉप पैटर्न और आ रहा है नीचे, कोई फ्रेश बाय नहीं है। तोड़ा है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन 775 के पास में शेयर ने, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। TCS फ्रेश बाय करंट लेवल पर बिल्कुल कर सकते हैं, लेवल है 2200, टारगेट होगा 2273 का। देन कम्स स्टीम लीज, ऊपरी स्तरों पर थक रहा है शेयर और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, फ्रेश ब्रेक डाउन आया है शेयर के अंदर। देन कम्स टेक महिंद्रा, प्योर अवॉइड है, किसी भी तरह की कोई कॉल नहीं लेनी है टेक महिंद्रा के अंदर, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे लगातार नीचे जा रहा है। देन कम्स थर्मैक्स, बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न इतनी देर के बाद मिला, सो राउंडिंग बॉटम पैटर्न दे रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के पार, करंट लेवल्स पर कर सकते हैं बाय। लेवल्स हैं करंटली 1099 के और जो ऊपरी स्तरों पर टारगेट्स होंगे वो होंगे 1156 के। देन कम्स थॉमस कुक, फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है शेयर ने, कोई बाय नहीं है, पूरी तरह से अवॉइड करना है। थायरो केयर पूरी तरह से करना है अवॉइड, फ्रेश ब्रेकडाउन है, लोअर लो लोअर हाई दे रहा। देन कम्स TII इंडिया, इट्स अ TII इंडिया, करंटली फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है शेयर ने वॉल्यूम के साथ, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन है, सो कोई फ्रेश बाई नहीं करना है शेयर के अंदर, वीकनेस है अच्छी खासी। टाइम टेक्नो बुरा हाल है कंपनी का, पूरी तरह से गिर रही है, कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। देन कम्स टिमकेन, चार्ट पैटर्न अच्छा है बट होगी ये कंडीशनल बाई, क्यों, ऊपरी स्तरों से गिर रहा है शेयर और चार्ट पैटर्न को देखते हुए थोड़ी सी हमें चाहिए इसके अंदर सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी कैसे आएगी, जब शेयर निकलेगा तकरीबन 700 के लेवल्स के पार निकलता है तब कीजिए फ्रेश बाय, उससे पहले किसी तरह की कोई फ्रेश बाय नहीं है। 700 के पार निकलता है फ्रेश बाय कीजिए और तब आपको टारगेट्स मिलेंगे 750 के। देन कम्स टाइटन, फ्रेश ब्रेकडाउन आया है टाइटन के अंदर, कोई फ्रेश बाय नहीं है। TNPL पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है। टोरेंट फार्मा बढ़िया चार्ट पैटर्न, धीरे धीरे शेयर ऊपरी स्तरों पर जाने के लिए तैयार हो रहा है, करंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लेवल्स हैं 1670 के, टारगेट्स होंगे 1754 के। चलिए देखें और कितने शेयर्स बचे हैं, ओके बस ज़रा से। टोरेंट पावर ध्यान से देखिए, ऊपरी स्तरों पर ले रहा है रेसिस्टेंस, और अगर रेसिस्टेंस ले रहा है तो फिर वेट कीजिए शेयर के नीचे आने का, इन लेवल्स पर बाय मत कीजिए। लेवल्स आते हैं 283 के पास में आता है शेयर, तब फ्रेश बाय करना है, करंट लेवल पर कीजिए अवॉइड। ट्रेंड ऊपरी स्तरों पर डबल टॉप पैटर्न बना रहा है शेयर, ये दिख रहा है ना, डबल टॉप पैटर्न बना है, डबल टॉप पैटर्न के बाद शेयर आ रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। देन कम्स ट्राइडेंट, ट्राइडेंट के अंदर है एक बेहतरीन कंसोलिडेशन जोन, कंसोलिडेशन जोन है ये, और जिससे दिया है शेयर ने फ्रेश ब्रेकडाउन, अवॉइड करना है पूरी तरह से। त्रिवेणी टर्बाइन फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है पूरी तरह से, कोई फ्रेश बाय नहीं करना है, अवॉइड करना है। TTK प्रेस्टीज मेजर ब्रेकडाउन आ रखा है शेयर से, रहिए दूर, कोई फ्रेश बाय नहीं है।
TV18 ब्रॉडकास्ट लोअर लो लोअर हाई डाउन ट्रेंड अवॉयड, TVS मोटर डाउन ट्रेंड अवॉयड, TV टुडे डाउन ट्रेंड अवॉयड, UBL हायर हाई हायर लोज बनाते हुए लगातार ऊपरी स्तरों पर करंट लेवल्स पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, 1450 के लेवल हैं, इन लेवल्स पर बाय करेंगे तो टारगेट्स मिलेंगे 1482 के सबसे पहले टारगेट्स हैं। यूको बैंक मेजर डाउन ट्रेंड में, कोई फ्रेश बाय नहीं है। यूफ्लेक्स मेजर डाउन ट्रेंड है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है। उज्जीवन फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे और 276 के भी नीचे आ रखा है, 268 के भी नीचे फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अल्ट्रा सैमको राउंडिंग टॉप पैटर्न दिखाया है शेयर ने, ऊपरी स्तरों से लगातार नीचे आ रहा है, सपोर्ट लिया है शेयर ने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास, कोई फ्रेश ब्रेकडाउन ब्रेकआउट माफ कीजिएगा कोई फ्रेश खरीदारी नहीं है, वजह यह है कि शेयर के अंदर वीकनेस आ रखी है। यूनियन बैंक सेम ब्रेकडाउन आया है, कोई फ्रेश बाय नहीं है। UPL के अंदर ब्रेकडाउन है, कोई खरीदारी नहीं है, वक्रांगी बहुत ही बुरा हाल है शेयर का, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। वेरॉक इंजीनियरिंग डाउन ट्रेंड के अंदर है, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। VBL एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न, लगातार हायर हाई हायर लोज बना रहा है, शेयर अगर निकलता है 646 के पार तब कीजिएगा फ्रेश बाय। VEDL ब्रेकडाउन डाउन ट्रेंड के अंदर अवॉइड कीजिए। वेंकीज सेम कंडीशन है, ब्रेकडाउन डाउन ट्रेंड के अंदर अवॉइड कीजिए। वीगार्ड बहुत शानदार चार्ट पैटर्न है, करंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, टारगेट्स होंगे 245 के, करंट लेवल है 232 के। विनाटी ऑर्गेनिक्स ऊपरी स्तरों से शेयर गिरना शुरू कर रहा है, टॉप के लेवल्स दिख रहे हैं ये, यहाँ पर शेयर ले रहा है थोड़ा सा रेसिस्टेंस और ऊपरी स्तरों से गिरना शुरू कर रहा है शेयर, कोई फ्रेश बाय नहीं है, बिल्कुल अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। VIP इंडस्ट्रीज फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए शेयर को। वी मार्ट डाउन ट्रेंड में है शेयर, फ्रेश ब्रेकडाउन है, अवॉइड कीजिए, कोई फ्रेश खरीदारी नहीं है। वोल्टास फ्रेश ब्रेकडाउन है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, कोई फ्रेश खरीदारी नहीं है। VRL लॉजिस्टिक डाउन ट्रेंड के अंदर है, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। VST इंडस्ट्रीज शेयर के अंदर ऊपरी स्तरों से एक रेसिस्टेंस मिल रहा है शेयर को और ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है शेयर, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से, कोई फ्रेश ब्रेक खरीदारी नहीं है। VTL फ्रेश ब्रेकडाउन आ रखा है, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। वबाग कंसोलिडेशन जोन के अंदर अगर बाइंग करना है तो 339 के लेवल के पार निकलता है तब फ्रेश बाय कीजिएगा, कंडीशनल बाय है ये। देन कम्स वैबको इंडिया, डाउन ट्रेंड के अंदर है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। वेल्सपन कॉरपोरेशन फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, अवॉइड कीजिए, कोई फ्रेश बाय नहीं है। वेल्सपन इंडस्ट्रीज फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, अवॉइड कीजिए इसे। वर्लपूल राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, कंसोलिडेशन जोन के पास से ऊपर निकल रहा है, करंट लेवल्स बहुत ही बढ़िया हैं, करंट लेवल पर एकदम बाय कर सकते हैं, लेवल्स हैं 1554 के, टारगेट्स होंगे 1725 के। देन कम्स विप्रो, ऊपरी स्तरों से डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई फ्रेश बाय नहीं है, अवॉइड कीजिए। यस बैंक पूरी तरह से अवॉइड करना है, कोई खरीदारी नहीं है यस बैंक के अंदर, डाउन ट्रेंड है, लगातार गिर रहा है शेयर। देन कम्स वो खार्ड फार्मा फ्रेश ब्रेकडाउन, कोई फ्रेश बाय नहीं है, लगातार डाउन पैटर्न के अंदर है। देन कम्स जील फ्रेश ब्रेकडाउन है शेयर में, बिल्कुल लेटेस्ट लेवल के पास में, अवॉइड करना है पूरी तरह से। जेंसार टेक्नोलॉजीज पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, ब्रेकडाउन आ रखा है शेयर में। जाइडस वेलनेस बेहद शानदार चार्ट पैटर्न है शेयर का, करंट लेवल्स पर बाय नहीं, बट शेयर को थोड़ा सा यहाँ से नीचे आने दें 1413 के लेवल के आसपास में, तब करना है फ्रेश बाय जाइडस के अंदर और टारगेट्स होंगे तकरीबन 1624। सो फ्रेंड्स, निफ्टी के 500 शेयर्स की एनालिसिस कंप्लीट हुई है और टोटल वक्त लगा है 1 घंटे 47 मिनट, और ये वक्त इसलिए लगा है क्योंकि हमने थोड़ी सी एनालिसिस को स्ट्रेंथ देने की कोशिश की, इस एनालिसिस को आपको समझाने की कोशिश की, यानी 1.5 घंटे के अंदर 500 शेयर्स अगर एनालाइज किए जा सकते हैं। सो अगर एनालिसिस को थोड़ी सी और स्ट्रेंथ दी जाए, स्पीड दी जाए, तो 3 घंटे के अंदर 1000 शेयर्स बिल्कुल एनालाइज किए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो ये मानकर चलते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट हुआ या नहीं, ये हम पूरी तरह से आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए कि जो ये पूरा सेशन था, इस पूरे सेशन के दौरान आपको कुछ सीखने के लिए मिला या नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी सीखने के लिए मिला है तो हमारे लिए उतना ही सफिशियंट है फ्रेंड्स। इस तरह के वीडियोस को जब आप बार 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 देखते रहते हैं तो आपके अंदर एक टेक्निकल एनालिस्ट की जो माइंडसेट है वो आता है।
जिससे नेक्स्ट टाइम किसी भी शेयर को बाय करने से पहले आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे इस शेयर का चार्ट पैटर्न पहले दिखाओ। बिना किसी भी इंफॉर्मेशन के, चाहे वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल्स हो, किसी भी शेयर को ऐसे बाय करने के पीछे मत जाइए, ये हमारी सलाह है आपको। आज का ये चैलेंज हमने इसी के लिए रखा था कि देखते हैं कि कंसिस्टेंटली बिना कंसंट्रेशन खोए हुए एट ए स्ट्रेच क्या 3 घंटे के अंदर 1000 शेयर्स को एनालाइज किया जा सकता है टेक्निकली या नहीं। आप में से वो लोग जो इसे देख रहे हैं फ्रेंड्स, और स्पेशली जो हमारे लर्न टू अर्न सीरीज़ के जो 70 सबसे फेवरेट मेंबर्स हैं हमारे, जो रेगुलर लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं, इस सेशन को देखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए, एक बार में पूरा सेशन मत देखिए, और देखकर हमें इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए कि आपको क्या लगता है 3 घंटे में 1000 शेयर्स को टेक्निकली एनालाइज करने का ये चैलेंज कंप्लीट हुआ या नहीं। और अगर आपके पास में कुछ और चैलेंजेस हैं हमारे लिए, सो काइंडली वो चैलेंजेस डिटेल में हमें दीजिए। अगले चैलेंज को, जो भी हमारे पास में चैलेंज आएगा, उसे हम कंप्लीट करने के साथ में आपका नाम भी उस चैलेंज के साथ में ऐड करेंगे जिसने भी चैलेंज दिया है, और वो चैलेंजेस जो सेलेक्ट किए जाएंगे उनके लिए एक बेहतरीन कोशिश करेंगे कि एक गिफ्ट भी रखेंगे, चाहे कैश रिवॉर्ड या कुछ भी, जो कुछ भी होगा पेटीएम के थ्रू ट्रांसफ़र कर देंगे आपके पास में। अगर आपके पास में चैलेंजेस हैं तो ज़रूर दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में जाकर, और बताते रहिए हमें कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर अकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर अकेडमी के साथ, और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।